हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ मैराथन क्लास फिजिकल एजुकेशन की क्लास 12th की सरस्वती प्रकाशन, जो नवीनतम CBSE पाठ्यक्रम के आधार पर है। दोस्तों, इसमें 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर को मैं एक ही वीडियो में आपके समक्ष ला रही हूँ। और कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं उसके पहले क्लास 11th एंड 12th के दोनों के मैराथन क्लास में देख के जाइए, और 100% है कि आपके 70-80% सभी क्वेश्चंस इसी में से रहेंगे। तो दोस्तों, सभी लोग रेडी हो जाइए और एक एक क्वेश्चंस पूरा देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। धैर्य बना के, चाहे कितना भी घंटा का वीडियो हो, तो मैं आज शुरू करने वाली हूँ पूरा मैराथन क्लास, क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन का। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपके समझ BPSC एंड EMRS का एग्जाम है, इसको देने से पहले इसको वीडियो जरूर देख लीजिए। और कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं तो क्लास 11th और 12th के मैं दोनों को मैराथन क्लास आपके समक्ष वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रही हूँ। एंड यूट्यूब पर हमेशा रहेगा, डिलीट नहीं किया जाएगा, और हमेशा आप देखते रहिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ, सब लोग रेडी हो जाइए। तो दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये पार्ट वन है जिसमें स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंड टूर्नामेंट्स रिलेटेड है। तो क्वेश्चंस पर चलते हैं, आराम से हम लोग हल करेंगे, क्योंकि मैराथन मतलब समझ रहे हैं बहुत समय लगेगा, 10 चैप्टर पूरा करना है, तो आराम से चलेंगे। एंड क्वेश्चन का आंसर मैं ज़्यादातर बताऊंगी, एक्सप्लेन नहीं करूंगी दोस्तों, क्योंकि आप सब कुछ थ्योरी के माध्यम से पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों, टूर्नामेंट्स रिलेटेड है। यदि एक नॉकआउट टूर्नामेंट में 19 टीमें भाग ले रही हैं तो कुल कितनी बाइज दी जाएंगी। तो दोस्तों, अंत तक टीमें बराबर बनी रहें उसके लिए बाइज दिया जाता है नॉकआउट में। जैसा कि आप जानते हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट जो है 4 प्रकार का होता है। नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, एंड कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, एंड चैलेंज टूर्नामेंट। तो यहाँ पे पूछा है कि यदि एक नॉकआउट टूर्नामेंट में 19 टीमें भाग ले रही है तो कुल कितनी बाइज दी जाएंगी। तो बाइज देने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, नेक्स्ट पावर ऑफ 2-n। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 19 के नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या है, तो 2 की, यहाँ पे 2 की पावर 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 की पावर 5 आ जाएगा, यानी कि 2 × 4 × 8 × 16 × 32, ठीक 32 आया, ठीक है। बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 32 − 19 बचा कितना आपका, 13, ठीक है। यानी कि यदि नॉकआउट टूर्नामेंट में 19 टीमें भाग ले रही हैं तो कुल कितने बाइज दी जाएंगी, तो कुल 13 बाइज दी जाएंगी। ऑप्शन नंबर ख यहाँ पे आपका राइट होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लीग टूर्नामेंट में फिक्स्चर तैयार करने के लिए कितनी विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, लीग टूर्नामेंट को राउंड रॉबिन टूर्नामेंट या बर्गर सिस्टम भी बोला जाता है, और इसमें फिक्स्चर डालने की 3 विधियां होती हैं, साइकिल, टेबुलर एंड स्टेयरकेस मेथड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग आपका राइट होगा। एंड लीग टूर्नामेंट 2 प्रकार का होता है, सिंगल लीग एंड डबल लीग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक नॉकआउट टूर्नामेंट में 31 टीमें भाग ले रही हैं तो दूसरे तीसरे क्वार्टर्स में कितनी टीमें रखी जाएंगी। तो दोस्तों, एक बात याद रखिए, नॉकआउट टूर्नामेंट में यदि टीमों की संख्या ज्यादा हो जाती है, लगभग 16 या 16 से अधिक हो जाती है, तो 2 हाफ ऊपर नीचे बांटने की तुलना में 4 क्वार्टर्स में बांटना ज़्यादा अच्छा होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, 31 टीमों को 4 क्वार्टर में बांटने के लिए 31 में 4 का भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 31 में जब हम 4 का भाग देंगे दोस्तों, 31 में हम 4 का भाग देंगे तो आएगा कितना, यानी 4 × 7 = 28, 29 + 30 = 31, यानी कि 7 × 3 = 4 आ जाएगा, यानी कि 7-7 टीमें प्रत्येक क्वार्टर्स में होंगी और 3 आपका शेष बच जाएगा। जब आपका 3 शेष बच जाएगा तो जो शेष बच जाएगा उसको हम कैसे रखेंगे दोस्तों, उसको हम रखते हैं जैसे कि हमने 4 क्वार्टर में बांट दिया, ठीक है,
क्वार्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ठीक, तो हमने सात सात टीमों को बांट दिया। ठीक है, सात सात टीमों को बांट दिया तो 4 × 7 = 28 हो गया, 3 आपका शेष बच गया। इसके लिए जो शेष बच जाता है उसके लिए क्या किया जाता है कि प्रथम विजेता पहले क्वार्टर को दिया जाता है और चतुर्थ विजेता चौथे क्वार्टर को। तो प्रथम विजेता हम तीन में से प्रथम विजेता पहले क्वार्टर को हम दे दे रहे हैं। ठीक है, प्रथम विजेता पहले क्वार्टर को हम दे दिए एंड दूसरी विजेता दूसरा तीसरा आपस में चेंज हो जाते हैं। तो दूसरा विजेता जो है हम तीसरे क्वार्टर के देंगे, तो दूसरा विजेता हम किसको देंगे, दूसरे क्वार्टर को, और तीसरा विजेता हम देंगे। ठीक है, तो दूसरा विजेता तीसरे क्वार्टर को और तीसरा विजेता देंगे दूसरे क्वार्टर को। ठीक है, यहाँ पे देख लिए तो कुल कितने हो गए। यहाँ पे आप क्या पूछा है दोस्तों, यहाँ पे पूछा है कि तीसरे क्वार्टर में कितनी होंगी। तो आप देख सकते हैं प्रथम द्वितीय तृतीय तीनों में 8-8 क्या होंगे, 8-8 टीमें रहेंगी। तो तीसरे क्वार्टर में कितनी टीमें रहेंगी, 8 रहेंगे। ठीक है, 8, तो यहाँ पे देख सकते हैं 8 टीमें होंगी। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विधि लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में फिक्स्चर तैयार करने के लिए प्रयोग में नहीं लाई जाती है। तो राउंड रॉबिन या लीग टूर्नामेंट में फिक्स्चर जानने की 3 विधियां होती हैं, साइकिल, टेबुलर, स्टेयरकेस मेथड। तो यहाँ पे स्टेयरकेस विधि भी है, साइक्लिक विधि भी है, टेबुलर विधि भी है, बट कॉम्बिनेशन विधि नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के टूर्नामेंट में जो टीम एक बार हार जाती है वह टूर्नामेंट से बाहर कर दी जाती है। तो वह टूर्नामेंट होता है दोस्तों नॉकआउट टूर्नामेंट। कौन सा टूर्नामेंट होता है, नॉकआउट टूर्नामेंट में यदि जो टीम एक बार हार जाती है उसे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस टूर्नामेंट में शक्तिशाली टीमों को भी प्रारंभिक राउंड विलुप्त होने की संभावनाएं हो सकती हैं। तो यही बात है कि नॉकआउट टूर्नामेंट राइट है। नॉकआउट टूर्नामेंट में एक उसका दोष पाया जाता है कि जैसे कि जो टीमें हार जाती हैं और टूर्नामेंट से बाहर होती जाती हैं, तो कभी कभी होता है कि जो अच्छी टीमें हैं वो भी बाहर हो जाती हैं, तो ये इसका आपका हानि हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक सिंगल लीग टूर्नामेंट में 8 टीमें भाग ले रही हैं तो कुल कितने मैच आयोजित किए जाएंगे। तो दोस्तों सिंगल लीग डबल लीग दो होता है, सिंगल लीग में मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है यन, क्या है यन, यन माइनस वन अपान टू, यन एन माइनस वन अपान टू। और डबल लीग में ज्ञात करने का सूत्र है यन एन माइनस वन अपान टू नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये सिंगल लीग में पूछा है, सिंगल लीग में टूर्नामेंट में 8 टीमें भाग ले रही हैं तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे, यन एन माइनस वन अपान टू, यन एन माइनस वन अपान टू। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस वन अपान टू, यानी कि 8 × 8 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 7 अपान टू। तो कितना हो जाएगा अब 8 × 7 = 56। ठीक है, 56 अपान टू। अब इसमें भाग दे देंगे तो 28 × 56 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28 × 2, ठीक है 56 हो जाएगा, कट गया, कितना आंसर आया 28। ठीक है, कितना आंसर आया 28। तो यहाँ पे राइट क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ख 28। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि एक नॉकआउट टूर्नामेंट में 29 टीमें भाग ले रही हैं तो कितनी बाई दी जाएंगी। तो बाई देने का फॉर्मूला क्या होता है, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 - n। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 की पावर 5
यानी कि 2 × 4 × 8 × 16 × 32 ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 में 32 आएगा, कितना आएगा 32। तो 32 − 29 आप करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो 3 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा ठीक है। तो 3 आपका ऑप्शन नंबर गो आपका राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि एक नॉकआउट टूर्नामेंट में 17 टीमें भाग ले रही हैं तो कितनी बाइट दी जाएंगी। तो जाहिर सी बात है इसमें भी 2 की पावर 5 आएगा ठीक है, 2 की पावर 5 तो कितना हो जाएगा 32, 32 − 17 तो कितना हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ख आपका राइट होगा, 15 बाइट दी जाएंगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम संख्या की टीमों के लिए लीग टूर्नामेंट में मैचों की संख्या ज्ञात करने की फार्मूला क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सिंगल लीग में फार्मूला है n n − 1/2 और डबल लीग में फार्मूला है n n − 1 ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग आपका राइट हो जाएगा, n n − 1/2 ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 11 है कि लीग टूर्नामेंट को किसके नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों लीग टूर्नामेंट को राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के नाम से भी जाना जाता है और इसको बर्गर सिस्टम भी बोला जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। एंड ये ध्यान में रखिएगा कि लीग टूर्नामेंट जो होता है इसमें प्रत्येक टीम को अन्य सभी टीमों के साथ खेलने का अवसर मिलता है, जबकि नॉकआउट में क्या होता है, एक बार जो टीम मैच हार जाती है वह प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक डबल लीग टूर्नामेंट में 9 टीमें भाग ले रही है तो मैचों की संख्या क्या होगी। यहाँ पे डबल लीग पूछा है, ध्यान दीजिएगा कि सिंगल लीग पूछा है कि डबल लीग, जब सिंगल डबल कोई नहीं पूछेगा तो अपने हिसाब से करिएगा। तो डबल लीग, सिंगल लीग में टीम मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है n n − 1/2, जबकि डबल लीग में सूत्र है n n − 1/2 नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा n n − 1 ठीक है। तो n n − 1 तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे n n − 1 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 9 − 1 तो क्या हो जाएगा 9 × 8 ठीक है 8, तो 9 × 8 = 72 यानी कि 72 आपका राइट हो जाएगा। यानी कि कितनी मैचों की संख्या होगी डबल लीग में, यदि 9 टीमें भाग ले रही हैं तो 72 ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि 21 टीमों की एक नॉकआउट टूर्नामेंट में प्रथम राउंड में मैच कितने मैच होंगे। जब क्वेश्चन ऐसे पूछता कि 21 टीमें भाग ले रही हैं कुल कितने मैच खेले जाएंगे तो n − 1 हो जाएगा, बट जब पूछा है कि 21 टीमें एक नॉकआउट टूर्नामेंट में प्रथम राउंड में कितने मैच होंगे, तो इसको सूत्र जैसे कि बाई दिया जाता है उस बाई को घटा दीजिए अपॉन टू कर दीजिए, तो इसके लिए सूत्र होता है दोस्तों आपका n − number of bye ठीक है, number of bye upon 2 ठीक है। तो n − number of bye upon 2 तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बाई ज्ञात करेंगे। तो 21 टीमों में कितना बाई दिया जाएगा, तो 21 टीमों में दोस्तों कितना बाई दिया जाएगा, तो 2 की पावर 5 आ जाएगा, कितना 2 की पावर 5 यानी कि 32 − 21 करेंगे तो बचेगा कितना 11, यानी कि बाई हमारा दिया जाएगा कितना, बाई कितना दिया जाएगा, बाई दिया जाएगा 11। तो सूत्र क्या होता है, n − number of bye upon 2 तो n कितना है 21 है ठीक, माइनस नंबर ऑफ बाई कितना है 11 अपॉन 2, अब दोनों में से हम घटाएंगे कितना बच जाएगा 10 अपॉन 2 यानी कि 2 × 5 = 10 यानी कि कितने प्रथम राउंड में कितने मैच खेले जाएंगे दोस्तों, तो प्रथम राउंड में जो है वो मैच खेले जाएंगे
5, ऑप्शन नंबर घ यहाँ पे राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 34 टीमों की नॉकआउट टूर्नामेंट में कुल कितने मैच होंगे? तो कुल कितने मैच है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है, एन माइनस वन, यानी कि 34 माइनस 1, यानी कि 33 आपका राइट होगा, 33 मैच खेले जाएंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथी बाई किसको दी जाएगी? तो दोस्तों बाई देने का फॉर्मूला है कि प्रथम राउंड में किसको दिया जाएगा, सेकेंड थर्ड फोर्थ राउंड में किसके दिया जाएगा, तो राउंड की बात नहीं हो रही है कि प्रथम बाई किसको दिया जाएगा, द्वितीय तृतीय चतुर्थी, यानी कि जो बाई है पहला दूसरा चौथा स्थान पर किसको दिया जाएगा। तो बाई देने का फॉर्मूला है कि प्रथम बाई दिया जाएगा लोअर टू लोअर, यानी कि नीचे के हाफ में सबसे नीचे वाले टीम को, दूसरा बाई दिया जाएगा अपर टू अपर, यानी कि ऊपर के हाफ में सबसे ऊपर वाले टीम को, तीसरा बाई दिया जाएगा लोअर टू अपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बता ही देते हैं, जैसे कि आप अगर पहली बार देख रहे हैं, जैसे कि मैंने टूर्नामेंट के बारे में थ्योरी सेशन डिटेल में बताया हुआ है एक एक टॉपिक को, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम बाई देने का फॉर्मूला है लोअर टू लोअर, एंड सेकेंड बाई देने का फॉर्मूला है अपर टू अपर, एंड थर्ड बाई देने का फॉर्मूला है लोअर टू अपर, फोर्थ बाई देने का फॉर्मूला है अपर टू लोअर। तो यहाँ पे कौन सा पूछा है, चौथा बाई, चौथा बाई क्या हो जाएगा, अपर टू लोअर, यानी कि ऊपर के हाफ में अंतिम टीम को दिया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ आपका राइट हो जाएगा, ऊपर के हाफ में सबसे अंतिम टीम को दिया जाएगा, जैसा कि आप समझ गए होंगे। फिर अगर 4 से ज्यादा है तो फिर इसी तरह रिपीट होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ पूछ रहा है दोस्तों बाई क्या है। तो जो टीमें हैं अंत तक बराबर की संख्या में बनी रहे, यानी कि शुरू से अंत तक टीमों की संख्या जोड़ों में बनी रहे, इसीलिए बाई दिया जाता है, इसीलिए क्या दिया जाता है, बाई दिया जाता है। तो बाई क्या है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा कि एक टीम को प्रारंभिक राउंड में न खेलने का एक लाभ दिया जाता है कि वो अगले राउंड में खेलेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे तालिका दिया हुआ है, इसमें आपको मिलाना है, इसमें आपको क्या करना है, मिलाना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे साइक्लिक साइकिल टेबुलर स्टेयरकेस मेथड जो है, ये लीग टूर्नामेंट में फिक्स्चर डालने की विधियाँ हैं। तो साइकिल आपका हो जाएगा लीग टूर्नामेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो अ का चौथा हो जाएगा। एंड तकनीकी समिति ये क्या करेगा, ये विवाद को सुलझाएगा, तो ब का 1 हो जाएगा। एंड स्टेयर केस मेथड में क्या होता है कि फिक्स्चर जो है सीढ़ी की तरह बनाई जाती है, तो स का 2 हो जाएगा। एंड विशेष सीडिंग स्पेशल सीडिंग क्या होता है, स्पेशल सीडिंग में सुपर सीडिंग में जो होता है, जो टीमें होती है सीधे क्वार्टर फाइनल में खेलती हैं, तो द का 3 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर क आपका राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि प्रचार समिति, प्रचार समिति क्या करेगी। तो प्रचार समिति खेल इवेंट के प्रचार की जिम्मेदारी लेगी, अ का 4 हो जाएगा। नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है कि टीम को हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाता है, तो ब का 1 हो जाएगा, ठीक है, ब का 1 हो जाएगा। एंड बाई क्या होता है दोस्तों, जब टीमें पावर ऑफ 2 में नहीं रहती हैं तब बाई दिया जाता है बराबर करने के लिए, तो 2 हो जाएगा स का। स्टेयर केस मेथड क्या होता है, यह लीग टूर्नामेंट में फिक्स्चर डालने की विधि है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क आपका राइट हो जाएगा।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको मिलान करना है दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि तकनीकी समिति क्या करेगी, यह विवाद को सुलझाएगी, ठीक है। तो अ का हो जाएगा टू। एंड वित्त समिति क्या करेगी दोस्तों, तो वित्त समिति जो होती है आय व्यय का लेखा जोखा बनाए रखती है, ठीक है। तो ब का हो जाएगा थ्री। एंड यातायात समिति क्या करेगी, तो यह परिवहन का साधन है, तो ये आपका जाहिर सी बात करेगी, टीमों को परिवहन के स्थल, परिवहन के लिए स्थल तक जिम्मेदार होगी। एंड प्राथमिक चिकित्सा समिति का मतलब होता है जब भी चोट लगे तो प्रथम उपचार करना, प्राथमिक उपचार करना, यानी कि घायल को, एथलीट को, घायल एथलीट को तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान करती है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक राइट हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे फार्मूला बताया था कि बाई देने का, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो जैसे कि यहाँ पे पहली बाई किसको दिया जाएगा, पहली बाई दी जाती है लोअर टू लोअर, यानी कि निम्न पंक्ति के, यानी कि लोअर टू लोअर, प्रथम द्वितीय नीचे की पंक्ति के सबसे नीचे वाले टीम को दिया जाता है प्रथम बाई। तो निम्न अर्ध की अंतिम पंक्ति यानी कि वन का हो जाएगा थ्री, वन का क्या हो जाएगा थ्री, प्रथम बाई लोअर टू लोअर, प्रथम बाई किसको दिया जाएगा लोअर टू लोअर, ठीक। एंड दूसरी बाई किसको दिया जाएगा अपर टू ओ अपर, यानी कि ऊपरी पंक्ति के सबसे ऊपर वाले टीम को, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पहला का थ्री हो जाएगा, दूसरा का आपका हो जाएगा वन, यानी कि ऊपर के अर्ध में पहली टीम को। तीसरी बाई दी जाएगी किसको, तो तीसरी बाई दिया जाएगा लोअर टू अपर, यानी कि नीचे की पंक्ति के सबसे ऊपर वाले टीम को। तो यहाँ पे हो जाएगा निम्न अर्ध की पहली टीम को, तीसरा का दूसरा हो जाएगा। चौथा है, चौथी बाई दी जाएगी अपर टू लोअर, यानी कि ऊपर के पंक्ति में सबसे नीचे वाले टीम को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चौथा ही हो जाएगा, चौथा का अपर, ऊपरी अर्ध की अंतिम टीम को। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टेटमेंट्स बेस पे है क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 21 है। कि अ है कि संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में योजना एक रोड मैप के रूप में काम करती है। तो बात सही है दोस्तों, सबसे रोड मैप का काम करती है योजना यानी स्ट्रेटजी। वह है इसके तर्क में कि निर्देशन से तात्पर्य संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्देश देने, प्रेरित करने, मार्गदर्शन करने की प्रक्रिया है। तो बात जाहिर सी बात है दोनों अ व राइट है, बट व जो है एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, कि अ व दोनों राइट है लेकिन व जो है अ की सही व्याख्या नहीं कर रहा है कि कैसे संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने की योजना एक रोड मैप है, उसके बारे में बताना चाहिए था। तो स्टेटमेंट बेस वाला क्वेश्चन इसी तरह आपको हल करना है, कोई ज्यादा कठिन नहीं होता है, बस आपको समझना होता है स्टेटमेंट बेस वाला, ठीक है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि विशेष सीडिंग में सीडिंग खिलाड़ी सीधे ही क्वार्टर फाइनल में या सेमी फाइनल में खेलते हैं, बात सही है, ठीक है। एंड वह है कि बाई एक विशेषाधिकार होता है जो प्रथम राउंड में एक टीम को दिया जाता है या सीधे ही दूसरे राउंड में भाग लेती है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपका राइट लग रहा है, तो लेकिन वह जो है अ की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाएगा कि ब अ और ब दोनों राइट हैं, बस बट ब जो है अ की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी कथन से ही रिलेटेड है।
क्वेश्चन नंबर 23 है कि योजना खेल में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। योजना खेल में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, बात सही है। योजना खेल में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वह है योजना भविष्य की कार्रवाई के बारे में एक दृष्टिकोण होती है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है और वह अ की सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क जो है राइट हो जाएगा कि अ और ब दोनों सही है, ब अ की सही व्याख्या है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल उपकरणों को खरीदना किस समिति का कार्य होता है। तो जाहिर सी बात है यह वित्त समिति का कार्य होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है कि समितियों के उत्तरदायित्व या जिम्मेदारियां किसमें बांटी जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन छुप गया है, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन क्या है कि समितियों के उत्तरदायित्व या जिम्मेदारियां किसमें बांटी जाती है। तो दोस्तों प्रतियोगिता के पूर्व भी जिम्मेदारी होती है, प्रतियोगिता के दौरान भी होती है और प्रतियोगिता के बाद भी होती है। तो ऑप्शन नंबर घ राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है कि एक टूर्नामेंट में खिलाड़ियों व खेल अधिकारियों के आवास के लिए कौन सी समिति जिम्मेदार है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर घ राइट हो जाएगा, आवास तथा खान पान समिति। एंड नेक्स्ट है दोस्तों कि योजना का कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों योजना का उद्देश्य है दबाव को कम करना, गलतियों के अवसरों को कम करना, खेल प्रदर्शन को बढ़ाना, बट कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो खेल अधिकारियों की कुशलता को कम करना योजना का उद्देश्य कभी नहीं हो सकता। एंड क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्न में से कौन सा खेल प्रबंधन का कार्य नहीं है। तो दोस्तों खेल प्रबंधन का कार्य योजना बनाना है, नियंत्रण बनाना है, आयोजन करना है, बट दौड़ना नहीं है, ठीक है, दौड़ाना होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित कार्यों में से एक संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में रोड मैप के रूप में कौन कार्य करता है। दोस्तों तो रोड मैप के रूप में कार्य करता है आपका योजना बनाना, योजना बनाना यानी स्ट्रेटजी मोस्ट होता है, ठीक है, योजना बनाना। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ख, योजना बनाना। एंड क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न में से कौन सा कार्य खेल संगठनों से जुड़े सभी व्यक्तियों को प्रेरित करने, मार्गदर्शित करने और निर्देशन देने की प्रक्रिया से संबंधित है। तो दोस्तों ये आपका राइट हो जाएगा, निर्देशन करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ग राइट होगा। यानी जो डायरेक्टर होता है वो क्या करता है, दूसरों को मार्गदर्शित करता है, प्रेरित करता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है कि खेल प्रबंधन के मूल कार्य हैं। तो खेल प्रबंधन के मूल कार्य क्या है दोस्तों, तो मूल कार्य 5 हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्देश्यों को निर्धारित करने उन्हें पूरा करने का निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है क्या, तो यह होता है योजना। क्या होता है योजना, योजना क्या होता है कि उद्देश्यों को निर्धारित करने उन्हें पूरा करने का एक निर्णय लेने की प्रक्रिया है योजना। एंड क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्न में से खेल प्रबंधन का पहला कदम कौन सा है। तो दोस्तों किसी भी खेल प्रबंधन का किसी भी चीज का पहला कदम होता है स्ट्रेटजी यानी कि योजना बनाना। एंड क्वेश्चन नंबर 34 है कि पूर्व टूर्नामेंट कार्य किए जाते हैं। तो पूर्व टूर्नामेंट मतलब टूर्नामेंट के पहले किए जाते हैं, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 35 है, इस पहले चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि एक नॉकआउट टूर्नामेंट में प्रथम राउंड में कितने मैच होंगे यदि 15 टीमें भाग ले रही हैं। तो दोस्तों प्रथम राउंड में ज्ञात करने का सूत्र होता है मैचों की संख्या n माइनस नंबर ऑफ बाय अपॉन 2।
तो सबसे पहले बाई निकालेंगे कि 15 टीमों में कितने बाई होंगी। तो दोस्तों 2 की पावर 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 कितना आएगा 16। 16 माइनस 15 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि बाई कितना आ जाएगा आपका, बाई आ जाएगा 1। और सूत्र क्या होता है, n माइनस नंबर ऑफ बाई अपॉन 2। तो n कितना है दोस्तों, n है आपका 15, नंबर ऑफ बाई कितना है 1 अपॉन 2, यानी कि कितना हो जाएगा 14/2, यानी 7 × 14, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख 7। ठीक है, तो इतनी टीमें भाग ले रही है, तो 7 टीमें भाग ले रही है। कितने मैच होंगे अगर 15 टीमें भाग ले रही है तो प्रथम राउंड में 7, जैसे कि आपको फार्मूला पता हो गया है। तो दोस्तों ये था आपका प्रथम चैप्टर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंड टूर्नामेंट्स रिलेटेड। अब हम चलेंगे दूसरे चैप्टर पे। यहाँ पे प्रथम चैप्टर का जो भी हमने क्वेश्चन हल कराया है उसका उत्तर यहाँ पे आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं, यहाँ पे उत्तर कुंजी है। तो दोस्तों चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट का आपका नाम है दोस्तों, सेकेंड पार्ट का नाम है आपका चिल्ड्रेन एंड वोमेन इन स्पोर्ट्स, यानी खेल में बच्चे तथा महिलाएं, यानी कि इसमें हम आसन की विकृतियां पढ़ेंगे एंड महिला एथलीट त्रय पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्टर डिफॉर्मिटीज के बारे में ज्यादा क्वेश्चंस होंगे। तो शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट। तो दोस्तों यहाँ पे हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 है सेकेंड पार्ट का, कि सामान्य मासिक धर्म चक्र कितने दिन का होता है। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है, इसलिए आप पूरा याद रखिएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर घ राइट होगा, 21 से 35 दिन का। मैं क्वेश्चन का आंसर खाली देते जाऊंगी दोस्तों, थ्योरी सेशन तो मैं पढ़ा ही चुकी हूँ, क्योंकि मैराथन क्लास है, इतना एक्सप्लेन करूंगी तो आपको बोरिंग महसूस होगा, लेकिन आपको बोरिंग महसूस होना ही नहीं चाहिए। जिसको लक्ष्य को प्राप्त करना है उसको कभी बोरिंग महसूस नहीं होता है, उसके लिए जो भी जरूरतें होता है वो और अवश्य करता है। तो आप मोटिवेट रहिए और पूरा वीडियो देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विकृति रीढ़ की अस्थियों की विकृतियों से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्या है, कुबर जो है काइफोसिस, जो हमारा ऊपरी पीठ होता है पीछे की तरफ बाहर निकल जाता है, उसे हम काइफोसिस या राउंड बैग या हंच बैग या कुबड़ा कहते हैं। ये रीढ़ से संबंधित है ही। एंड लार्डोसिस, जो हमारे कमर निचले कमर में पीठ में कर हो जाता है, गड्ढा सा हो जाता है, जिसे हम लार्डोसिस, हालो बैक एंड स्वे बैक, बैक पोस्चर डिफेक्ट एंड सैडल बैक यानी कि कहते हैं, ये भी रीढ़ से संबंधित है। स्कोलियोसिस, जो है आपका लेटरल डिविएशन फ्रॉम स्पाइन, यानी कि मेरुदंड की पार्श्व कुब्जता होती है, यानी कि मेरुदंड यानी स्पाइन एक ओर झुक जाता है, जिसे शोल्डर एक तरफ और हिप दूसरी तरफ झुक जाते हैं, इसको स्कोलियोसिस कहते हैं। तो यहाँ पे तीनों के तीनों क्या है आपका, कुबर, लार्डोसिस, स्कोलियोसिस, तीनों रीढ़ से स्पाइन से संबंधित विकृतियां हैं। बट धनुषाकार टांगे, जिसे हम बाउल लेग कहते हैं, जिसमें हमारा जो पैर होता है बाहर की तरफ निकल जाता है, यानी दोनों घुटने बाहर की ओर दाएं बाएं निकल जाते हैं, उसे कहते हैं हम धनुषाकार टांगे, यानी बाउल लेग, जेनुवरम, जिसमें ओग आकृति बनती है। एक होता है नॉकनी, जेनुवलगम, जिसमें घुटने आपस में टकरा जाते हैं और उसको नॉकनी कहते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, आप बस बने रहिए धैर्यपूर्वक पूरे वीडियो में और देखेंगे कि आप बेस्ट स्कोर प्राप्त करेंगे, और ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन है दोस्तों 3 कि भोजन लेने संबंधी किस विकार में व्यक्ति अत्यधिक भोजन ग्रहण करता है तथा उसे बाहर उगल देता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बुलिमिया। ठीक है, बुलिमिया नरोसा ऐसा रोग है दोस्तों, यानी कि एक भोजन लेने संबंधी विकार है, जिसे व्यक्ति अत्यधिक भोजन ग्रहण करता है उसे बाहर उगल देता है।
ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि महिला एथलीट ट्राइड एक सिंड्रोम है जिसकी विशेषता क्या है। तो यहाँ पे महिला एथलीट ट्राइड के अंतर्गत दोस्तों ऑस्टियोपोरोसिस, रज्जु या रेतुरोध, अभोजन लेने संबंधी विकार, ये तीनों आते हैं, ये तीनों आते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न कारकों में से कौन सा कारक महिला एथलीट्स में ऑस्टियोपोरोसिस को अग्रसर करता है। ऑस्टियोपोरोसिस में जो कैल्शियम फास्फोरस की कमी हो जाती है, ठीक है, आहार में, एंड ऋतुरोध रजोरोध यानी कि उसमें अनियमितता हो जाती है, 6 महीने से ज़्यादा तक नहीं आता है, और भोजन करने संबंधी विकार है, ये सभी चीज़ें ऑस्टियोपोरोसिस महिला में बढ़ाता है हड्डियों के विकार को। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, निम्न कारकों में से कौन सा कारक ऋतुरोध या रजोरोध के खतरे को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं वो भी बढ़ावा देता है, कम कैलोरीज लेना जितना आवश्यकता है उससे कम खाना ये भी बढ़ावा देता है, अतिव्र व्यायाम यानी कि आवश्यकता से अधिक आप व्यायाम कर रहे हैं, एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं, उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट हो जाएगा। एंड दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न कारकों में से कौन सा कारक महिला खिलाड़ियों में ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को बढ़ा सकता है। तो दोस्तों आहार में कैल्शियम की कमी, रजोरोध, भोजन लेने संबंधी विकार, ये सभी जो है विकृतियां कारक जो है महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को बढ़ा सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आसन संबंधी विकृतियों में से घुटने के आपस में टकराने वाली स्थिति के विपरीत कौन सी विकृति है। ऐसा है क्वेश्चन आपके यह स्टेट में पूछा था, ये पूछ क्या रहा है कि घुटने के आपस में टकराने वाली स्थिति के विपरीत, तो टकराने को हम कहते हैं नॉकनी देनुवलगम, तो उसके विपरीत क्या होगा, न टकराना यानी बाहर की तरफ घुटने हो जाना, तो धनुषाकार टांगे क्या हो जाएगा, राइट, नॉकनी के विपरीत होगा धनुषाकार टांगे यानी कि बाउ लेग, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक दशा महिला एथलीट ट्राई की नहीं है। तो दोस्तों भोजन लेने संबंधी विकार, रजोरोध, ऑस्टियोपोरोसिस, ये महिला एथलीट ट्राई के अंतर्गत आती है, बट संवेदी प्रसंस्करण विकार नहीं आती है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन से भोजन लेने संबंधी विकार में व्यक्ति उसे वमन या उगल देता है। तो अभी जस्ट आप ऊपर पढ़े हैं बुलिमिया नर्वोसा यानी कि क्षुधा अभाव बुलिमिया नर्वोसा राइट होगा, ठीक है। यहां पे दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 में आपका क राइट होगा, ठीक है, क्षुधा अतिशय या अति क्षुधा बुलिमिया नर्वोसा होगा, ठीक है, जबकि ख है क्षुधा अभाव एनोरेक्सिया नरोसा में क्या है, व्यक्ति कम खाता है, ठीक है, और बुलिमिया नरोसा यानी कि क्षुधा अतिशय अति क्षुधा में ज्यादा खाता है, उसको उगल देता है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 11 है कि पैर की चाप यानी आर्च का संबंध कौन सी आसन संबंधी विकृति से है। तो दोस्तों यह है फ्लैट फुट से संबंधित यानी कि चपटे पैर से संबंधित, ऑप्शन नंबर ग राइट होगा। फ्लैट फुट में क्या होता है कि जो हमारा तलवा होता है पैर का, वो खड़े होने पर पंजे के नीचे कोई वक्र नहीं बनता, एंड चलने पर पंजे बाहर की तरफ आते हैं यानी पैर एकदम सपाट होता है, समतल होता है नीचे, और इसमें दो प्रकार के आर्च बनते हैं याद रखिएगा, यानी कि एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल आर्च जो होता है एड़ी से पैर के अंगूठे तक बनता है, एंड जो ट्रांसवर्स आर्च होता है पैर की छोटी उंगली से अंगूठे तक बनता है। हम फ्लैट फुट को पेस प्लेनस भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। एंड एक होता है आपका पंजा पाँव, फ्लैट फुट के विपरीत होता है, जिसे क्ले फुट या पेस कैवस या हॉलो फुट या क्रोटॉज भी बोलते हैं। पंजा पाँव जो क्ले फुट होता है, जैसे कि आपका चपटा पाँव फ्लैट फुट में जो तलवे होता है समतल हो जाता है, लेकिन क्ले फुट में यानी पंजा पाँव में क्या होता है कि यह फ्लैट फुट के विपरीत होता है, पंजे पशुओं की खुर की तरह मुड़ जाते हैं यानी बहुत ज्यादा उसमें गड्ढा सा हो जाता है, ठीक है।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि ऋण की अस्थि के पार्श्व वक्र को क्या कहा जाता है। तो पार्श्व विचलन, लेटरल डिविएशन ऑफ स्पाइन यानी कि मेरुदंड जो है एक ओर झुक जाता है, जिसे शोल्डर एक तरफ और हिप दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं स्कोलियोसिस। क्या कहते हैं दोस्तों? स्कोलियोसिस। एंड क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि आगे की ओर का कुबड़ा को कहा जाता है। तो आगे की ओर कुबड़ा कहा है, पीछे की ओर रहेगा तब वो काइफोसिस होगा, याद रखिएगा आगे की ओर होगा तो लार्डोसिस होगा और पीछे की ओर होगा कुबड़ा तो आपका वो काइफोसिस होगा, यानी क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आगे की ओर कुबड़ा यानी कि पेट आगे की तरह निकल जाएगा और पीछे जो है गड्ढा हो जाएगा वहां पे, तो लार्डोसिस की ये बात कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाएगा, रीढ़ की अस्थि की अंदर की ओर वक्रता, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में से भोजन लेने संबंधी विकार कौन सा है। तो यहाँ पे आपका दो विकार है, एक बुलिमिया नर्वोसा, एक एनोरेक्सिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा में अधिक खाकर वमन करता है और एनेक्सिया नर्वोसा में कम खाता है, तो यहाँ पे आपका क्या राइट हो जाएगा? तो क्षुधा अतिशय या अति सुधा आपका ख राइट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 15 है कि घुटनों के आपस में टकराने के सुधार के लिए निम्न में से कौन सा सुधारात्मक व्यायाम लाभदायक होगा। सबसे मोस्ट व्यायाम, सबसे बेस्ट व्यायाम होता है घुटने के टकराने यानी ना करने के लिए घुड़सवारी करना, याद रखना। एंड क्वेश्चन नंबर 16 है, धनुषाकार टांगों में होता है। धनुषाकार टांगे यानी घुटने बाहर की ओर निकलना, बाउ लेग की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका घुटनों के बीच अधिक अंतर होना, क राइट होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सी आसन संबंधी विकृति में टखनों के बीच का अंतर बढ़ता है। तो कौन से में बढ़ता है दोस्तों? टखने की बात कर रहा है, घुटने की बात नहीं कर रहा है, टखने नीचे पैर के टखने जो एड़ी से जुड़ी रहती है, तो कौन सी आसन संबंधी विकृति में टखने के बीच अंतर बढ़ता है। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, घुटने के आपस में टकराने से यानी नॉक नी होने से घुट जो टखने होते हैं पैर के निचले, वहां पे आपके क्या हो जाएंगे, अंतर बढ़ता जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्कोलियोसिस एक आसन संबंधी विकार है किसकी। ये रीढ़ की हड्डी का है, जाहिर सी बात है इजी क्वेश्चन है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि रजोदर्शन से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे खौर राइट हो जाएगा, महिलाओं की मासिक धर्म शुरू होना। एंड क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों कि मिलान करना है आपको, देखते हैं फ्लैट फुट यानी चपटा पैर में क्या होता है, असामान्य आर्क हो जाता है यानी दो चाप बनते हैं लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एडी से पैर के अंगूठे तक, ट्रांसवर्स पैर की छोटी उंगली से अंगूठे तक, यानी अ का हो जाएगा टू, ठीक है, अ का हो जाएगा टू। एंड ब है धनुषाकार टांगे यानी बाउ लेग, यानी जो पैर जो है बाहर की तरफ निकल जाते हैं, तो बाहर की तरफ निकल जाते हैं यानी कि अंतर होता है, चौड़ा अंतर होता है, यानी कि बॉकर थ्री हो जाएगा। एंड घुटनों का टकराना, अंदर की तरफ मुड़ते हैं यानी टकरा जाते हैं, तो यहाँ पे घुटनों का टकराना स का वन हो जाएगा, यहाँ पे आसन नंबर ख यहाँ पे राइट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों यहाँ पे भी मिलाना है, गोल कंधे, गोल कंधे, गोल कंधे क्या है दोस्तों, यह एक आसन संबंधी विकृति है, तो क्या हो जाएगा, ओ का फोर हो जाएगा,
अ का क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। प्रथम रज उदरासन का मतलब क्या होता है, यानी अ का फाइव हो जाएगा। प्रथम रज उदरासन का मतलब होता है पहली मासिक धर्म में रक्त स्त्राव, यहाँ पे ब का फोर हो जाएगा। एंड स है महिला एथलीट त्रय, महिला एथलीट त्रय। स का हो जाएगा महिलाओं की तीन समस्या, मतलब महिलाओं की तीन समस्या, वो भी क्या होती है, तीन समस्याएं आप देख चुके हैं। एंड यानी कि स का टू हो जाएगा, ठीक है। एंड द है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होती है दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस में कैल्शियम फॉस्फोरस की कमी से अस्थि घनत्व में कमी आ जाती है, तो द का क्या हो जाएगा, थ्री। क्षुधा अभाव, यानी कि जो एनोरेक्सिया नरोसा और बुलमिया नरोसा दो होते हैं, यहाँ पे आपका हो जाएगा भोजन लेने संबंधी विकार है, च का वन। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर घ जो है आपका राइट आंसर होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 22 है, स्टेटमेंट बेस पे है, इसमें अ है कि धनुषाकार टांगे घुटनों के आपस में टकराने की अवस्था के विपरीत होती है। तो धनुषाकार टांगे घुटने के आपस में टकराने की अवस्था के विपरीत है, सही बात है। धनुषाकार टांगे जो बाउ लेग है वो नॉक नी के विपरीत होती है, और राइट प्रतीत हो रहा है। ब है इस विकृति में घुटने आपस में दूर होते हैं, तो यहाँ पे दोनों राइट है, अ और ब दोनों राइट है, और ब अ की सही व्याख्या भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से टांगों की विकृति कौन सी है, तो कौन सी टांगों की विकृति है ये बताइए आप। जैसे कि लार्डोसिस रीढ़ की विकृति है, स्कोलियोसिस रीढ़ की विकृति है, कुबड़े पीछे की ओर काइफोसिस रीढ़ की विकृति है, तो टांगों की विकृति कौन है, टांगों की विकृति है आपका घुटने का टकराना, यानी कि नॉक नी। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि मासिक धर्म में यौवन शुरू नहीं होता तो यह दशा क्या कहलाती है, तो मासिक धर्म में यौवन शुरू नहीं होता तो यह दशा कहलाती है प्राथमिक रजोरोध, क्या कहलाती है, प्राथमिक रजोरोध। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, कि अस्थियों के घनत्व में कमी तथा अनुचित अस्थि निर्माण के कारण अस्थियों में का कमजोर हो जाना क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है ऑस्टियोपोरोसिस। एक ऑस्टियो मलेशिया होता है जिसमें जो है हड्डियां जो है वो कोमल हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं। तो दोस्तों ये था आपका सेकेंड चैप्टर पूरा हो गया, और सेकेंड चैप्टर का यहाँ पे आप उत्तर अभ्यास देख सकते हैं, जितना भी क्वेश्चन था उस सब का यहाँ पे आंसर दिया गया है। तो दोस्तों जैसा कि ये पूरे मैराथन क्लास आपके लिए बहुत ही स्वर्णिम होने वाला है, बहुत ही बेहतर होने वाला है। अब हम चलेंगे थर्ड पार्ट पे, किस पे चलेंगे, थर्ड पार्ट का नाम है योग, जीवन शैली से संबंधित रोग के बचावात्मक उपायों के रूप में आपका हम देखेंगे। तो थर्ड पार्ट के क्वेश्चंस को अब हम हल करेंगे, इसी तरह हमको 10 क्वेश्चन 10 पार्ट हल करना है दोस्तों, इसलिए आप थोड़ा भी धैर्य मत खोइएगा। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, इसमें कुल कितने क्वेश्चन हैं देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में आपका क्वेश्चन है कुल 33 क्वेश्चन, ठीक है। तो 33 क्वेश्चन थर्ड पार्ट का हम हल करते हैं, उसके बाद फोर्थ पार्ट चलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे योग, सबसे पहले हम थोड़ा योग के बारे में कुछ जान सकते हैं। जैसे कि मैंने योग के बारे में पूरे डिटेल में बताया हुआ है योग के वीडियो में, तो योग जो है, योग का मतलब क्या होता है मैंने सही से बताया हुआ है, इसलिए ज़्यादा इस पर डिटेल नहीं करेंगे, बस देखेंगे कि योग जो है भारतवर्ष की देन है। एंड योग सूत्र की रचना किया है महर्षि पतंजलि ने 147 ईसा पूर्व में। इन्होंने एक अष्टांग योग नामक योग सूत्र में अष्टांग योग के बारे में बताया है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आता है। एंड योग प्रदीप की रचना श्री अरविंद ने किया था। योग शब्द जो है संस्कृत की युज धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जुड़ना मिलाना मिलन या संयोग
यानी आत्मा का परम या दिव्य आत्मा से मिलन, यानी यह मनुष्य की चेतना के विकास का भी ज्ञान है, यानी जीवात्मा का भी परमात्मा से एकीकरण ही क्या है, योग है। तो आप समझ सकते हैं इसकी परिभाषाएं मैंने बहुत सारे बताए हुए हैं योग में, इसलिए ज्यादा हम इस पे बात नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्योंकि मैराथन क्लास में इतने सारे डिस्कशन नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन है तीसरे पार्ट का कि निम्नलिखित आसनों में से कौन सा आसन स्थूलता से बचाव का उदाहरण नहीं है। स्थूलता यानी मोटापा, स्थूलता यानी मोटापा, तो कौन सा आसन है जो स्थूलता से मोटापा से नहीं बचाता है। तो हलासन भी मोटापा कम करता है, उष्ट्रासन भी करता है, तड़ासन भी करता है, बट सुखासन एक आसन है बैठने का, ये नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर टू है, निम्न आसनों में से कौन सा आसन खड़ी हुई स्थिति में नहीं किया जाता। तो तड़ासन खड़ी अवस्था में किया जाता है, अर्धचक्रासन भी किया जाता है, बट सुखासन बैठ के किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीन है, कौन सा आसन हल की आकृति जैसा होता है। तो हलासन जो है हल की आकृति जैसा होता है। क्वेश्चन नंबर चार है कि निम्न आसनों में से कौन सा आसन बैठी हुई स्थिति में किया जाता है। तो आप देख सकते हैं तड़ासन खड़े होकर, भुजंगासन आगे की तरफ होके हुआ जाता है, चक्रासन खड़े होकर, बट आपका सुखासन जो है बैठी हुई अवस्था में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, एक वयस्क का सामान्य रक्तदाब ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो 120-80 mmHg यानी कि सिस्टोलिक जो होता है ब्लड प्रेशर 120 और डायस्टोलिक 80 होता है। एंड क्वेश्चन नंबर छः है, किस प्रकार की जीवन शैली से संबंधित बीमारी में हमारी वायु नलियां अवरुद्ध या सक्रिय हो जाती है, जिसे श्वास लेने में कठिनाई होने लगती है। तो यह कौन सा रोग होता है दोस्तों, ये होता है आपका अस्थमा। क्या होता है, अस्थमा। इसको साइकोमेटिक डिजीज भी बोला जाता है, मनोदैहिक रोग भी बोला जाता है, याद रखिएगा। एंड सातवां क्वेश्चन है, भुजंगासन का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों भुजंगासन का दूसरा नाम कोबरा पोज भी है। क्या है, कोबरा पोज भी है। क्वेश्चन नंबर आठ है कि एक व्यक्ति की बीएमआई की गणना करने का फॉर्मूला क्या है। बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि आपका जो वजन है लंबाई के हिसाब से ठीक है या नहीं है, वो आपके वसा रहित फैट को मेजर करता है बॉडी के। तो यहाँ पे बीएमआई ज्ञात करने का सूत्र होता है वेट इन केजी अपॉन मीटर, मीटर आपका सेंटीमीटर, मीटर जो है हाइट, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, ये आपका राइट, ये होता है। यहाँ पे हिंदी में दिया है, थोड़ा दिक्कत होता है। तो आठवां का ऑप्शन नंबर घ आपका राइट हो जाएगा, भार किलोग्राम में, ऊंचाई मीटर में, स्क्वायर होगा, ठीक है। एंड नवा क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की कसौटी के अनुसार एक व्यक्ति की बीएमआई कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों एक व्यक्ति की बीएमआई जो है 18.5 से 24.9 के बीच में होना चाहिए, और 18.5 से कम है तो आप अंडरवेट यानी वीकनेस स्थिति में रहेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, और 24.9 से ज़्यादा है तो आप ओवरवेट हो जाएंगे, और 30 से ज़्यादा है तो आप मोटापे की स्थिति में आ जाएंगे, खतरे की स्थिति में आ जाएंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है कि अस्थमा का कारण क्या होता है। तो दोस्तों अस्थमा का कारण होता है आपका एनर्जी भी होता है, अनुवांशिक भी होता है, या अधूर से भी होता है। यहाँ पे उपरोक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि उच्च रक्तचाप से बचाव के लिए निम्न में से किस आसन का अभ्यास करना चाहिए। तो हाई ब्लड प्रेशर के बचाव के लिए हम करते हैं शवासन, ठीक है, जिसे मृत्यु आसन भी कहते हैं, लेट के चुपचाप चित्त लेट लिया जाता है इसमें। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है
कि कौन सी बीमारी में रोगी को श्वास लेने में परेशानी महसूस होती है, तो वह होता है आपका अस्थमा। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 13 है कि शरीर की आंतरिक गर्मी को कम करने के लिए निम्न प्राणायामों में से कौन सा प्राणायाम किया जाता है, तो दोस्तों शीतली प्राणायाम आंतरिक गर्मी को कम करने के लिए अक्सर गर्मियों में किया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि निम्न आसनों में से कौन से आसन का प्रयोग मोटापे से बचाव और उपचार के लिए नहीं किया जाता, तो क्वेश्चन ऐसा पूछा है जैसे हलासन हो गया, उष्ट्रासन हो गया, अधमसिद्धासन हो गया, किया जाता है, बट तड़ासन जो है लंबाई बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि उच्च रक्तचाप से बचाव उपचार के लिए कौन से आसनों का प्रयोग करना चाहिए, तो आप उच्च रक्तचाप में आपका शवासन, हलासन, वक्रासन उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 16 है कि सामान्य रक्तचाप को बनाए रखने के लिए कौन सा आसन अच्छा होता है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा, शलभासन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सामान्य रक्तचाप बनाए रखने के लिए कौन सा आसन सहायक होता है, तो यहाँ पे तो क्वेश्चन हमको गलत लग रहा है, यहाँ पे शवासन होना चाहिए लेकिन ऑप्शन में दिया है सामान्य रक्तचाप को बनाए रखने के लिए आसन सहायक है शलभासन, और उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए आपको होगा शवासन, याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 17 है कि गोमुखासन, वक्रासन, मत्स्यासन किस रोग के उपचार में सहायक है, तो दोस्तों ये है आपका अस्थमा से रोग के उपचार में सहायक है। एंड क्वेश्चन नंबर 18 है कि मोटापे के लिए एक संभव कारण हो सकता है, कौन सा कारण मोटापे का, तो दोस्तों याद रखिएगा कि मोटापा वंशानुगत भी होता है, अत्यधिक भोजन खाने से भी होता है, तेजी से चयापचय न होने से भी होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर घ यहाँ पे, हाँ तेजी से चयापचय से नहीं होता है दोस्तों, चयापचय अच्छा है तो आपके पास मोटापा नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म के गड़बड़ के कारण ही तो होता है, तो यहाँ पे घ नहीं होगा, मोटापे का कारण आपका वंशानुगत होता है या अत्यधिक आप जितना कार्य कर रहे हैं, ऊर्जा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे ज्यादा आप कैलोरीज ले रहे हैं तो होता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर घ राइट होगा, क और ख दोनों। क्वेश्चन नंबर 19 से मिलाना है आपको, तो यहाँ पे है जैसे कि मधुमेह है, मधुमेह डायबिटीज किससे होता है, इंसुलिन की कमी से होता है, तो ओ का टू हो जाएगा, ओ का क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। उच्च रक्तचाप दबाव क्या होता है, ए रक्त दबाव के अंतर्गत आता है, तो ब का थ्री हो जाएगा रक्त दबाव। एंड अस्थमा क्या है, एक श्वसन पथ है, अस्थमा क्या है, श्वसन संबंधी रोग है, यानी कि आपका स का फोर हो जाएगा। स्थूलता यानी मोटापा क्या है, वसा का जमाव से मोटापा होता है, द का वन हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ख राइट होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों अभिकथन से रिलेटेड है, अ है मधुमेह वास्तव में एक बहुत खतरनाक जीवन शैली की बीमारी है, बात सही है, ब है यदि मधुमेह को नियंत्रित न किया जाए तो इससे गुर्दे का फेल होना, आंखों की दृष्टि का कम होना, अंग छेदन होना, वह हृदय वाहिका संबंधी बीमारियां आदि हो सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों ऑप्शन राइट है, अ और ब दोनों राइट है, अ और ब यानी ऑप्शन नंबर क राइट होगा, अ ब दोनों सही है, ब अ की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा अस्थमा के अटैक का कारण है, तो अस्थमा के अटैक का कारण कौन सा है, इसमें दोस्तों अनुवांशिक कारक भी होता है, इसमें एलर्जी भी होता है, ठंडी हवा में व्यायाम करने से भी होता है अस्थमा, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्न में से कौन सा मधुमेह
से संबंधित नहीं है, तो कौन सा इसमें मधुमेह से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे बार बार पेशाब आने करने की इच्छा होना है, हाथ और पैरों का सुन्न होना है, घावों का न भरना है, बट उच्च रक्तचाप नहीं है। ठीक है, उच्च रक्तचाप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की कसौटी के अनुसार अधिक भार की BMI क्या होती है। तो दोस्तों अधिक भार की BMI जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख 25 से 29.4। ठीक है, अगर आपका अच्छा सामान्य इसी भी नॉर्मल होगा 18.5 से 24.9, जबकि 24.9 से ज़्यादा होगा तो आपका अधिक भार हो जाएगा, 30 से ज़्यादा होगा तो आप मोटापे की स्थिति में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है, तो आपको सबको पता है अग्नाशय ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्न में से कौन सा आसन बच्चों की ऊंचाई बढ़ाने में सहायक है, तो दोस्तों आप सबको पता है ऊंचाई बढ़ाने में कौन सा सहायक है, ऊर्ध्व हस्तो आसन। ठीक है, ऊर्ध्व हस्तो आसन यानी तड़ासन की बात कर रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित व्यायामों में से किस प्राणायाम से एक नथुन नथुने से अंतः श्वसन तथा दूसरे नथुने से सांस छोड़ा जाता है, तो आप सबको पता है यह व्यायाम होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। एंड क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्न में से कौन सा एक नाक के दाहिने नथुने को संदर्भित करता है, तो दोस्तों दाहिने नथुने को संदर्भित करता है सूर्य, यानी कि हमारा जो नाड़ी है हठ योग में कहा गया है कि ह ठ यानी कि ह से आपका होता है पिंगला नाड़ी जिसे हम सूर्य नाड़ी कहते हैं, जो नाक के दाहिने नथुने को संदर्भित करता है, और ठ से आपका होता है चंद्र नाड़ी यानी कि बायां नाड़ी होता है जिसे इड़ा नाड़ी कहते हैं, और बीच में जो रीढ़ की हड्डी होता है उसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, याद रखिएगा। एंड 28 क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न आसनों में से कौन सा आसन हमारा आसन से हमारा शरीर हल के आकार का होता है, तो हलासन में। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्न में से कौन सा आसन मधुमेह के बचाव व उपचार में सहायक है, तो यहाँ पे मधुमेह के बचाव और उपचार में सहायक है कौन सा आसन, तो धनुरासन भी है, कटिचक्रासन भी है, उष्ट्रासन भी है, यहाँ पे उपयुक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न में से कौन से आसन को मेढक पोज या मेढक मुद्रा भी कहा जाता है, तो मंडूकासन को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, मंडूकासन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है आसन को पहचाने, तो आप सबको पता है कि ये कौन सा आसन है, यह धनुरासन है। ठीक है, ये आपका दृष्टि बाधितों के लिए क्वेश्चन है। कौन सा आसन भोजन करने के बाद किया जाता है, तो वज्रासन, याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 32 है कि ऊर्जा बढ़ाने के लिए कौन सा आसन सहायक है, तो ऊर्जा बढ़ाने के लिए तड़ासन सहायक है, कौन सा आसन, तड़ासन। एंड क्वेश्चन नंबर 33 यानी कि तीसरा पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मिलाना है आपको गरुड़ासन, गरुड़ासन का हो जाएगा धनुषाकार टांगे, गरुड़ासन का हो जाएगा धनुषाकार टांगे, एका थ्री। गोमुखासन हो जाएगा आपका घुटनों का आपस में टकराना, कैसा क्वेश्चन दिया है, ठीक है, घुटनों का आपस में टकराना। चक्रासन क्या हो जाएगा, एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं, गरुड़ आसन आपका हो जाएगा,
गरुड़ासन क्या हो जाएगा, एक कात्री धनुषाकार टांगी, ये तो सही है। और गोमुखासन क्या हो जाएगा, दूसरा का फो, घुटनों का आपस में टकराना। तीसरा चक्रासन, चक्रासन हो जाएगा गोल कंधे। नौकासन हो जाएगा आपका लाडोसिस, यानी कि विकृतियों को दूर करने की बात कह रहा है। यानी कि गरुड़ आसन से आपका धनुषाकार टांगे ठीक होगा, गोमुखासन से घुटनों का आपस में टकराना ठीक होगा, चक्रासन से गोल कंधे ठीक होगा, नौकासन से लाडोसिस ठीक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आसन नंबर को आपका राइट होगा। इस प्रकार तीसरा चैप्टर भी समाप्त होता है। तीसरा चैप्टर का आपका ये आपका उत्तर कुंजी है, आप मिला सकते हैं। अब पाठ चार आता है जिसका नाम है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी दिव्यांगों के लिए सारी शिक्षा एवं खेल, जो CWSN आपका सिलेबस में था। तो यहाँ पे चौथा को पाठ पे हम चलते हैं, चौथा पाठ पे चलते हैं। कुल 27 क्वेश्चंस हैं चौथे पाठ में। कितने क्वेश्चन हैं, 27 क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों चौथा पाठ हम शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न में से एक युक्ति विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सारी क्रियाओं को सुलभ या सुगम बनाने के लिए सोची जाती है। तो कौन सी युक्ति सोची जाती है विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों के लिए? चिकित्सा जांच किया जाता है, विशिष्ट वातावरण उपलब्ध कराया जाता है, सारी क्रियाएं बच्चों की रुचियों पर आधारित होनी चाहिए। तो यहाँ पे सभी चीजें किया जाना चाहिए, तो उपरोक्त सभी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? जैसा कि ये क्वेश्चन आया हुआ था आपके बिहार स्टेट में, तो 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन सा विकलांगों के लिए शारीरिक गतिविधियों का लाभ है? तो यहाँ पे बेहतर शारीरिक पुष्टि यानी कि फिजिकल फिटनेस, मानसिक सुधार, ज्ञान संबंधी लाभ, ये उपरोक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी रणनीति विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों की पहुंच को सर्वोपरि बनाने के लिए मानी जाती है? तो ये आपका राइट हो जाएगा। चिकित्सा जांच भी की जाती है, विशिष्ट वातावरण प्रदान भी किया जाना चाहिए, और गतिविधियां बच्चों की रुचि के अनुसार होना चाहिए हमेशा। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है पैरा ओलंपिक खेलों के बीच कितनी अवधि होती है? तो दोस्तों पैरा ओलंपिक जो है वह 4 वर्ष की अवधि में, प्रत्येक 4 वर्ष की अवधि में किया जाता है। जैसे कि जो हमारा ग्रीष्म ओलंपिक होता है उसके जस्ट बाद होता है, और यह पैरालंपिक जो होता है वैसे खेल होते हैं जिसमें गतिशीलता, विकलांगता, अंधापन, सेरेब्रल पॉल्सी एंड विभिन्न विकलांगताओं वाले एथलीटों के लिए होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला जाता है, जिसकी शुरुआत 1960 रोम में हुआ और इसको 1988 में सियोल के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पैरालंपिक शब्द कराया गया, और विंटर पैरालंपिक गेम 1976 में प्रारंभ हुआ। एंड दोस्तों यहाँ पे पैरालंपिक खेलों को जो संचालित करती है, जैसे ओलंपिक खेलों को IOC संचालित करती है, उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक खेलों को संचालित करती है IPC यानी अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, जिसका क्वेश्चन आपकी स्टेट में पूछा हुआ था। IPC यानी अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का जो स्थापना हुआ है वो आपका हुआ है 22 सितंबर 1989 को, जिसका हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है सन 2028 में पैरालंपिक खेल ग्रीष्मकालीन कहाँ होंगे? तो जैसे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1928 में कहाँ होंगे, लॉस एंजल्स अमेरिका में, 24 में पेरिस फ्रांस में होगा। तो उसी तरह जहाँ भी ये आयोजित होता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, वहीं पे आपका होता है पैरालंपिक खेल भी, तो लॉस एंजल्स आपका राइट हो जाएगा, लॉस एंजल्स आपका राइट होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है
कि अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की स्थापना कब हुई, तो 22 सितंबर कब हुई अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की स्थापना, 22 सितंबर 1989 को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ग, 1989। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि प्रथम पैरालंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे, तो प्रथम पैरालंपिक खेल जो है 1960 रोम में आयोजित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रथम पैरालंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे, वही क्वेश्चन पूछ दिया है 1960 में रोम में। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है अभिकथन से रिलेटेड है, अभिकथन ए है कि पैरालंपिक खेल गति करने से अक्षम व्यक्तियों, छिन्नांगों, दृष्टिहीन, सेरेब्रल पॉल्सी जैसी असमर्थताओं वाले एथलीट्स के लिए आयोजित किए जाते हैं, बात सही है। एंड ब है विशेष ओलंपिक्स बौद्धिक रूप से असमर्थ एथलीट्स के लिए आयोजित किए जाते हैं, जो विशेष ओलंपिक होता है वो बौद्धिक रूप से जो असमर्थ होते हैं, दोनों ऑप्शन राइट है, बस बट जो है ब जो है अ की सही व्याख्या नहीं करता है, यहाँ पे ख राइट हो जाएगा, ठीक है, अ ब दोनों राइट है बट ब जो है अ की सही व्याख्या नहीं है। एंड क्वेश्चन नंबर 11 है पैरालंपिक खेलों में अर्धचंद्राकार के रंग कौन से होते हैं, तो यहाँ पे लोगो होता है, पैरालंपिक लोगो में अर्धचंद्राकार के रंग कौन सा होता है, तो यहाँ पे होता है आपका लाल, नीला, हरा, तो यहाँ पे सभी हो जाएगा। जबकि आप ओलंपिक खेलों में जो आपका पांच चक्र होते हैं, नीला, पीला, काला, हरा, लाल, ये पांच रंग के होते हैं, जबकि पैरालंपिक खेल में लोगों में लाल, नीला, हरा होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रथम बधिर ओलंपिक कब आयोजित किए गए थे, दोस्तों बधिर ओलंपिक को बोला जाता है डेफ ओलंपिक्स, यानी कि जो नहीं सुन पाते हैं, श्रवण क्षमता जिसकी कम होती है उसके लिए डेफ ओलंपिक्स के आयोजन किया जाता है, जो प्रथम 1924 पेरिस फ्रांस में हुआ था दृष्टि बाधितों के लिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का 1924 में पेरिस फ्रांस में, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों बान जर्मनी में है। एंड क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्रथम पैरा ओलंपिक गेम्स कहाँ आयोजित किए गए थे, तो 1960 रोम में। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रथम शीतकालीन पैरालंपिक खेल कहाँ पे आयोजित किए गए थे, तो प्रथम शीतकालीन पैरालंपिक गेम जो है वह आयोजित किए गए थे कहाँ पे, तो इसका राइट आंसर होगा 1976। क्वेश्चन नंबर 16 है किस वर्ष विशेष ओलंपिक इंडिया की स्थापना हुई, तो विशेष ओलंपिक इंडिया की स्थापना 1987 में हुआ, कब हुआ 1987 में हुआ। एंड जब पूछेगा आपको विशेष ओलंपिक कब हुआ, तो विशेष ओलंपिक जो है की शुरुआत 1968 शिकागो से हुआ है, जिसमें बौद्धिक रूप से असमर्थ एथलीट्स के लिए आयोजित किया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 17 है किन खेलों में दौड़ों को प्रारंभ करने में सीढ़ियों व बंदूकों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो दोस्तों ये आपका डेफ ओलंपिक्स में सीटी और बंदूकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि डेफ ओलंपिक्स जो होता है बधिरों यानी कि जो नहीं सुन पाते हैं, श्रवण क्षमता कम होती है उनके लिए होता है, तो इसमें संकेत किया जाता है यानी कि हाथ को घुमाया जाता है, सीटी वगैरह नहीं बजाया जाता। क्वेश्चन नंबर 18 है कि प्रथम डेफ ओलंपिक्स का आयोजन कहाँ किया गया था, तो प्रथम डेफ ओलंपिक्स का आयोजन कहाँ किया गया था, तो 1924 पेरिस फ्रांस में किया गया था, कहाँ पे 1924 पेरिस फ्रांस में थी, पेरिस आपका राइट होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न में से कौन सा एक विशेष ओलंपिक्स का संस्थापक था, तो दोस्तों विशेष ओलंपिक जो है प्रथम 1968 शिकागो में शुरू हुआ था बौद्धिक रूप से असमर्थ एथलीट्स के लिए, और इसको प्रारंभ किया था अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की बहन यूनिस कैनेडी श्राइवर, यूनिस कैनेडी श्राइवर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर को आपका राइट होगा यूनिस कैनेडी श्राइवर।
क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्रथम बधिर ओलंपिक्स कहाँ आयोजित किए गए थे, तो 1924 पेरिस फ्रांस में आयोजित किए गए थे डे फिलिप्स, यानी कि प्रथम बधिर ओलंपिक। एंड दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है, अभिकथन से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड, अभिकथन से रिलेटेड है कि अभिकथन अ है कि पैरालंपिक खेल गतिशीलता से संबंधित असमर्थताओं वाले एथलीट्स के लिए आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। अब वह है कि पैरालंपिक खेल रूपांतरित या अनुकूली खेलों को बढ़ावा देने में सहायता नहीं करते, तो यहाँ पे आपका अ सही है लेकिन वह गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग राइट हो जाएगा कि अ सही है बट ग गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का स्थापना किया गया, तो दोस्तों यह 22 सितंबर 1989 में किया गया। एंड क्वेश्चन नंबर 23 है, पैरालंपिक खेल समापन होने के बाद आयोजित किए जाते हैं, तो ओलंपिक खेल जो होता है हमारा ग्रीष्मकालीन, उसके समापन होने के बाद किया जाता है, जस्ट बाद वहीं पे, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्रथम विशेष ओलंपिक कब आयोजित किया गया था, तो 1968 शिकागो में आयोजित किया गया था। एंड क्वेश्चन नंबर 25 है, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, तो बान जर्मनी में है। क्वेश्चन नंबर 26 है, में कर्णावत प्रत्यारोपण की अनुमति नहीं होती है, किसमें दोस्तों, बधिर ओलंपिक्स में, किसमें नहीं होता है, कर्ण को सुनने वाली जैसे बंदूक हो गया, सीटी हो गया, इसका प्रयोग नहीं होता है, तो बधिर ओलंपिक्स यानी डे ओलंपिक्स में। क्वेश्चन नंबर 27 है, स्प्रिंट इन मोशन किसका मोटो है, स्प्रिंट इन मोशन किसका मोटो है, तो यह पैरालंपिक्स का मोटो है, जबकि ओलंपिक्स का है मोटो सीटीएस आरटीएस एंड फोरटीएस। एंड क्वेश्चन नंबर 28 है, किन खेलों में सीढ़ियों का बंदूकों का प्रयोग, किन खेलों में सीटियों एंड बंदूकों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो बधिर ओलंपिक्स यानी डे ओलंपिक्स में। तो दोस्तों ये आपका समाप्त होता है चैप्टर नंबर 4। एंड चैप्टर नंबर 4 का यहाँ पे आपका क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। एंड अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जिसका नाम है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, यानी खेल तथा पोषण, खेल तथा पोषण। पोषण में कुल कितने क्वेश्चन हैं, तो हम देखेंगे इसमें कुल क्वेश्चंस की संख्या है 42। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम यहाँ पे शुरू करते हैं सही विकल्प से और क्वेश्चन की तरफ नहीं जाते हैं। क्वेश्चन है कि अधिकतर कार्बोहाइड्रेट्स में नाइट्रोजन के परमाणुओं तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात कितना होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन के परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु दोनों का अनुपात कितना होता है, तो 2:1 होता है। ऑप्शन नंबर क राइट होगा, 2:1 यानी 2 भाग हाइड्रोजन तो 1 भाग ऑक्सीजन का होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है कि ट्रिप्सिन पाचन में सहायक होता है, तो यहाँ पे एमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होती है, जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन को पाचन करने में सहायक होता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पाचन करता है एंड लाइपेज वसा को, याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, वसा का कौन सा समूह प्रायः हृदय रोगों के खतरों को बढ़ाता है, तो दोस्तों जो वसा होता है उसका कौन सा समूह हृदय रोगों के खतरों को बढ़ाता है, तो वसा 2 प्रकार का होता है, सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट। जो सैचुरेटेड फैट होता है आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है, जो अनसैचुरेटेड फैट होता है वो आपके लिए अच्छा होता है। तो सैचुरेटेड यहाँ पे हृदय रोगों के लिए खतरों को कौन बढ़ाता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सैचुरेटेड फैट, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा सैचुरेटेड फैट जो है हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है, अनसैचुरेटेड फैट जो है आपका अच्छा होता है, जिसे अनसैचुरेटेड के अंतर्गत जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रण करता है, जबकि
सेचुरेटेड जो है कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और अनसेचुरेटेड जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, जिसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है अनसेचुरेटेड में, जैसे कि बादाम, काजू, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, निम्न में कौन मै नहीं है, कौन इसमें मैक्रो खनिज का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे मैक्रो यानी मुख्य खनिज होते हैं कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम एंड आपका होता है ये सभी खनिज लवण होते हैं मुख्य। ठीक है, एंड मैक्रो में आपका लोहा, आयरन, लोहा को हम जैसे कि मुख्य खनिज लवण मैक्रो पोषक तत्व में आपका हाथ खनिज लवण में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम आता है, जबकि माइक्रो पोषक में आपका आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, आयोडीन, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, सोलिनियस एंड फ्लोरीन आता है। यहाँ पे देखना है कि मैक्रो खनिज उदाहरण कौन नहीं है, तो यहाँ पे सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, कैल्शियम भी है, जबकि लोहा क्या होता है वो माइक्रो में आता है, मैक्रो में नहीं आता। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से पानी में घुलनशील विटामिन कौन है। तो पानी में घुलनशील विटामिन बी, सी और एच है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाएगा, विटामिन सी। ठीक है, और ए डी ई के जो है आपका वसा में घुलनशील है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विटामिन बी 5 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो दोस्तों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B1, B2, B4, B3 होता है, जिसमें आपका विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी, B2 की कमी से B1 को थायमिन कहते हैं रासायनिक भाषा में, जिसकी कमी से बेरीबेरी, B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं रासायनिक भाषा में, जिसकी कमी से किलोसिस, ग्लाइकोसाइटिक एंड रोग हो जाता है, और B3 की कमी से पेलाग्रा यानी चर्मदाह रोग होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है, यहाँ पे आंसर दिया है पेलाग्रा, बट पेलाग्रा B3 की कमी से होता है, याद रखिएगा। बेरीबेरी B1 की कमी से, रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से, रतौंधी ए की कमी से, इसे कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं होगा। B5 जो है एडिनल के कॉर्टेक्स के कार्यों को संचालित करता है, ये आपका राइट नहीं होगा, देख लीजिएगा इसको। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है, किडनी में से कौन सा खनिज हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है। आप सबको पता है लोहा जो है हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है, और हीमोग्लोबिन RBC में पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन का काम करता है यानी समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाता है, और माइटोकांड्रिया में जाकर के जो है भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किडनी में से कौन सा घटक आहार का गैर पोषक घटक या तत्व नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे कौन है गैर पोषक तत्व नहीं है, तो गैर पोषक तत्व यहाँ पे कौन नहीं है, तो यहाँ पे प्रोटीन जो है जैसे कि फाइबर या कोक, इसमें पोषक नहीं प्राप्त होते हैं, रंग यौगिक भी नहीं प्राप्त होते हैं, स्वाद यौगिक भी नहीं पोषक प्राप्त होती है, जबकि प्रोटीन में पोषक प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विटामिन B3 का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों विटामिन B1 का नाम है थायमिन, B2 को राइबोफ्लोविन कहते हैं, एंड B3 को कहा जाता है निकोटिन या नायसिन। ठीक है, तो यहाँ पे नायसिन आपका राइट होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा विटामिन कैगुलेशन शब्द से निकला है, कौन सा विटामिन कैगुलेशन शब्द से निकला है। तो यह विटामिन के जो है कैगुलेशन शब्द से निकला हुआ है, विटामिन के जो है कैगुलेशन शब्द से निकला हुआ है, जिसका वैज्ञानिक नाम है फिलोक्विनोन, और जिसे विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। एंड क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है, तो विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 12 है, आहार के किस तत्व यानी घटक में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये दोनों कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जबकि प्रोटीन जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन चार से मिलकर बना होता है। तो नाइट्रोजन पाया जाता है प्रोटीन में, किसमें पाया जाता है,
प्रोटीन में। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है, तो दूध है, मछली है, मीट है, अंडे है, सब क्या है प्रोटीन के मुख्य स्रोत है। ऑप्शन नंबर को यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कौन सा एक मैक्रो खनिज है, मैक्रो जो हमारे लिए शरीर में मुख्य आवश्यकता होती है, तो मैक्रो खनिज कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ पे लोहा, आयोडीन, तांबा, ये माइक्रो खनिज है, जबकि कैल्शियम जो है वो माइक्रो खनिज है, हमारे लिए मुख्य है जो हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है संतुलित आहार किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो संतुलित आहार जो है रोग निवारण के लिए भी है, यानी बैलेंस डाइट, पोषक संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी है, प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को सुधारने के लिए भी है, तो उपरोक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों शरीर के निर्माण खंड कहा जाता है, तो शरीर के निर्माण, कोशिकाओं का निर्माण, ऊतकों का निर्माण कौन करता है, बॉडी बिल्डिंग फूड किसे कहा जाता है, तो वो आपका होता है प्रोटीन, और ऊर्जा कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, और विटामिन एंड खनिज लवण कोई ऊर्जा नहीं देते हैं, शरीर की रक्षा करते हैं रोगों से। एंड क्वेश्चन नंबर 17 है किसके सिवा निम्नलिखित सभी माइक्रो पोषक तत्व है, यानी इस एक के सिवा सभी कौन है माइक्रो पोषक तत्व है, तो माइक्रो पोषक तत्व में हमारा आता है जो हमारे शरीर की अधिक आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये तीनों क्या है माइक्रो पोषक तत्व है, शरीर को ज्यादा आवश्यकता होती है, जबकि विटामिन की कम आवश्यकता होती है, तो ये विटामिन नहीं है, ये माइक्रो पोषक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि आंखों की दृष्टि के लिए एक विटामिन जरूरी है कौन सा है, आप सबको पता है विटामिन ए जरूरी होता है, ठीक है, जिसकी कमी से रहता होती है, यानी नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस, रंग वड़ानता भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है इन में से कौन सा माइक्रो खनिज शामिल नहीं किया जाता, तो कौन सा इसे माइक्रो खनिज के रूप में शामिल नहीं किया जाता दोस्तों, तो यहाँ पे आपका आयोडीन, तांबा, लोहा, तीनों के तीनों क्या है माइक्रो खनिज है, जबकि पोटेशियम जो है माइक्रो खनिज है, यानी कि मुख्य खनिज लवण है, तो यहाँ पे पोटेशियम राइट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 20 जो है किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, तो विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है विटामिन सी के कारण कौन सा रोग होता है, आप सबको पता है स्कर्वी होता है, मसूड़े में जलन सूजन सूज जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर जो है 22 है आहार के निम्न तत्वों में से किस तत्व में कार्बन, हाइड्रोजन व हाइड्रोजन का प्रतिशत 76, 12 व 12 होता है, तो यहाँ पे किस में होता है, तो वसा में, वसा में जो है हाइड्रोजन कार्बन की मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड से 2 गुना होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 23 है निम्न कार्बोहाइड्रेट्स में से किसे जटिल कार्बोहाइड्रेट्स में शामिल किया जाता है, तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट को 2 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है, कि कौन कौन से 2 भागों में, सरल शर्करा और जटिल शर्करा, सरल कार्बोहाइड्रेट और जटिल कार्बोहाइड्रेट। सरल कार्बोहाइड्रेट को भी 2 भागों में बांटा गया है, मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड, और जटिल शर्करा को पॉलीसैकेराइड कहते हैं, यानी कि मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, यानी कि शर्करा के 1 अणु से बना होता है, डाइसैकेराइड शर्करा के 2 अणु से होता है, बना होता है, जैसे माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। सरल शर्करा क्या होता है कि यह पाचन में आसान होता है, जटिल शर्करा में पॉलीसैकेराइड आता है जो पाचन में आसान नहीं होता है, जिसमें जटिल शर्करा में हमारा आता है ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, कैटिन। यहाँ पे क्या पूछा है कौन किसे जटिल कार्बोहाइड्रेट में शामिल किया जाता है, तो ग्लूकोज सरल कार्बोहाइड्रेट है, फ्रक्टोज, लैक्टोज सरल कार्बोहाइड्रेट्स है, जबकि सेलुलोज जो है आपका जटिल कार्बोहाइड्रेट्स है। सेलुलोज जो है प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला शर्करा होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 24 है कौन सा माइक्रो खनिज नहीं है, माइक्रो यानी कि आपका कैल्शियम है, सोडियम है, फास्फोरस है, तीनों माइक्रो खनिज है, मुख्य खनिज लवण है, बट आपका लोहा जो है माइक्रो खनिज है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है शुगर में यानी कार्बोहाइड्रेट में नामक आहार तत्व उपस्थित होता है, तो कौन सा होता है कार्बोहाइड्रेट, कौन सा होता है कार्बोहाइड्रेट्स होता है।
एंड क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो यहाँ पे नींबू और आंवला नहीं दिया है, तो होता है आपका अमरूद हो जाएगा, याद रखिएगा। एंड वो दिया रहेगा तो आंवला नींबू रहेगा, तो आंवला नींबू रहेगा, सबसे बेस्ट स्रोत है आंवला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 है, मिलान करना है आपको, 27 क्वेश्चन को आपको मिलान करना है। 27 में आपका यहाँ पे ऊर्जा देने वाला कौन होता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ऊर्जा देने वाला कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो एक का क ही हो जाएगा। बॉडी बिल्डिंग फूड कौन होता है? प्रोटीन होता है। टू का घ हो जाएगा, ठीक है। और रक्षात्मक कौन होता है? विटामिन सी होता है, ठीक है। थ्री का ख हो जाएगा। एंड फाइबर जो है सेलुलोज में होता है, तो ग हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, आपको मिलान करना है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो ए का चार हो जाएगा, रतौंधी। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? तो ब का थ्री हो जाएगा, बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? थ्री का सौ हो जाएगा, सौ का आपका फोर हो जाएगा, सौ का आपका फोर हो जाएगा। सी की कमी से क्या होता है? पायरिया हो जाएगा। सौ का आपका वन हो जाएगा, ठीक है, पायरिया यानी कि स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से क्या हो जाएगा? रिकेट्स यानी कि द का टू हो जाएगा। आंसर नंबर ग यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रिकेट्स। अ का फोर हो जाएगा, अ का क्या हो जाएगा? विटामिन ए की कमी से दोस्तों, सॉरी, आप सबको पता है रतौंधी होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, तो ए का थ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए का थ्री हो जाएगा। अब विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, तो बी का फोर हो जाएगा। एंड विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, तो सौ का एक हो जाएगा। एंड विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, द का फाइव हो जाएगा। या फिर ऑप्शन नंबर ख आपका राइट होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 30 है, यहाँ भी आपको मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। तो यहाँ पे रंग यौगिक अ का थ्री हो जाएगा। रंग यौगिक भोजन को आकर्षक देखने में बनाता है, ठीक है, अ का थ्री। सूखापन किसमें होता है? तो ब का वन, ब का जो है ए हो जाएगा। डाइटिंग के दौरान पानी की कमी होता है, तो सूखापन होता है। स है रतौधी, रतौधी किससे होता है? तो स का टू हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से। अस्थि घनत्व में कमी क्या कहलाता है? तो कैल्शियम की कमी से होता है अस्थि घनत्व में कमी, ऑस्टियोपोरोसिस। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग आपका राइट होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 31 है, यहाँ पे भी आपको मिलान करना है। यहाँ पे आपको देखना है विटामिन ए से होता है रतौधी, ए का टू हो जाएगा। विटामिन बी से होता है बेरी बेरी, विटामिन बी से क्या होता है? बेरी बेरी, तो ब का फोर हो जाएगा। विटामिन सी से होता है स्कर्वी, तो सी का फाइव हो जाएगा, ठीक है। एंड विटामिन ई की कमी से बाझपन रोग होता है, तो च का थ्री हो जाएगा। च का क्या हो जाएगा? थ्री हो जाएगा, ठीक है, च का थ्री हो जाएगा। एंड विटामिन डी की कमी से क्या होता है दोस्तों? तो डी से आपका होता है रिकेट्स रोग, तो आपका द का हो जाएगा वन, द का वन। एंड विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो छ का हो जाएगा आठवां। और जो है लोहा, लोहा से क्या होता है? एनीमिया यानी लोह की कमी से रक्त की कमी हो जाती है, जिसे एनीमिया रोग हो जाता है। ज का हो जाएगा सात, ठीक है। ज का क्या हो जाएगा? यहाँ पे ज नहीं दिया है, ठीक है, यहाँ पे ज का हो जाएगा
एनीमिया, आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंघा रोग होता है, झ का चौथा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर घ आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 भी आपको मिलाने वाला, यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, ए का आपका हो जाएगा अ का टू रतौधि, इसमें क्या हो जाता है, गर्दन में एक ग्रंथि जिसमें जो सोर्सिस आ जाती है, ठीक, एंड विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी होता है, ब का फोर हो जाएगा, अ का टू ब का फोर, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी तो आपका स का फोर हो जाएगा, एंड विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है तो द का थ्री हो जाएगा, आयोडीन की कमी से घेंघा हो जाता है तो च का वन हो जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार ऑप्शन नंबर क राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका अभी कथन से रिलेटेड, यहाँ पे अ है कि माइक्रो पोषक तत्व ऊर्जा की पूर्ति करते हैं तथा शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत के लिए जरूरी है, तो बात सही है, एंड ब है कैल्शियम फास्फोरस पोटेशियम माइक्रो पोषक तत्वों में शामिल किए जाते हैं, कैल्शियम पोटेशियम फास्फोरस माइक्रो पोषक तत्वों में शामिल किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट क्या हो जाएगा, तो कैल्शियम पोटेशियम फास्फोरस माइक्रो पोषक तत्व में शामिल किए जाते हैं, बात तो सही है, कैल्शियम पोटेशियम फास्फोरस तीनों माइक्रो पोषक गलत है दोस्तों, क्योंकि पोषक तत्व नहीं है, खनिज लवण है, इसलिए अ सही है ब गलत है, अ सही है ब गलत है, ऑप्शन नंबर ग आपका राइट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, धैर्य बना के वीडियो देखिएगा, ठीक है, क्योंकि लंबा वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व का उदाहरण नहीं है, तो सूक्ष्म यानी कि माइक्रो पोषक तत्व में आपका इसमें आयोडीन आएगा, लोहा आएगा, तांबा आएगा, फास्फोरस नहीं आएगा, ये आपका माइक्रो पोषक तत्व यानी मुख्य पोषक तत्व होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 35 है, 1 ग्राम वसा प्रदान करती है, क्या है क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, 1 ग्राम वसा प्रदान करती है, तो 1 ग्राम वसा क्या प्रदान करती है, कितना कैलोरी दोस्तों, 9 कैलोरी यानी 9.1 कैलोरी होता है, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, तो यहाँ पे आपका सूक्ष्म पोषक तत्व में विटामिन, खनिज लवण, कोबाल्ट जो है ये सूक्ष्म पोषक तत्व है, जबकि प्रोटीन जो है मुख्य पोषक तत्व, माइक्रो पोषक तत्व है, तो आपका 36 का आपका घ राइट होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 37 है कि विटामिन, खनिजों व जल को सामूहिक रूप से आहार कहा जाता है, तो विटामिन, खनिज और जल को क्या कहा जाता है, कौन सा पोषक तत्व कहा जाता है, रक्षात्मक, ये क्या करते हैं, शरीर की रक्षा करते हैं रोगों से और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, ग्लूकोज इसका एक प्रकार है, किसका, सरल शर्करा का, याद रखिएगा सरल शर्करा का प्रकार है, यानी सरल शर्करा दो भागों में बांटा गया है, मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड, जटिल शर्करा में पॉलीसैकेराइड आता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एंड डाइसैकेराइड में माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज आता है, तो 38 का क्या राइट हो जाएगा, ख। एंड क्वेश्चन नंबर 39 है अभिकथन से, अभिकथन अ है कि विटामिन कार्बन के जटिल यौगिक हैं जो शरीर के सामान्य विकास और कार्य के लिए आवश्यक हैं, बात सही है, ब है हमारे शरीर को बड़ी मात्रा में विटामिन की आवश्यकता होती है, नहीं कम मात्रा में होता है, तो वो आपका गलत है, ठीक है, माइक्रो पोषक तत्व है
विटामिन्स कम मात्रा में आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे 39 का ग राइट होगा, अ सही है लेकिन ब गलत है। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, ये भी अभिकथन से रिलेटेड है। अ है कि संतुलित आहार को उस आहार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें शरीर के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व शामिल है। बात तो राइट है, संतुलित आहार वो होता है जिसमें सभी पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा विटामिन खनिज लवण जड़ उचित मात्रा में विद्यमान हो, तो उसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार। वह है कि एक आहार जिसमें सभी आवश्यक खाद्य तत्व होते हैं जैसे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट विटामिन वसा खनिज और पानी, तो दोस्तों सही अनुपात में है तो उसे कहा जाता है संतुलित आहार। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क कि अ और ब दोनों राइट है और ब अ की सही व्याख्या भी है। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट जो पानी में घुलनशील होते हैं तथा संरचना में क्रिस्टलीय होते हैं तो वो कौन होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं जो संरचना में क्रिस्टलीय होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वह सरल शर्करा कहलाते हैं। कौन सा शर्करा कहते हैं? सरल शर्करा कहते हैं। पानी में घुलनशील है तथा संरचना में क्रिस्टलीय है तो वो सरल शर्करा कहलाएंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, इनमें से कौन सा सूक्ष्म खनिज नहीं है? तो सूक्ष्म खनिज कौन नहीं है? तो सूक्ष्म खनिज है इसमें आयोडीन लोहा तांबा, बट मैग्नीशियम आपका सूक्ष्म खनिज नहीं है, यह मुख्य खनिज है। तो दोस्तों इस प्रकार आपका पांचवा चैप्टर भी खत्म होता है। अब पांचवा चैप्टर का ये आपका है उत्तर, और आप चेक कर सकते हैं कौन कौन सा राइट है जैसा कि मैंने अच्छे से करा ही दिया है। अब बारी आती है छठे चैप्टर की। छठे चैप्टर का नाम है खेलों में परीक्षण तथा मापन यानी टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। तो दोस्तों ये है छठा चैप्टर। पांच चैप्टर हो चुका आपका, आधा खत्म हो गया 2 घंटे में। अब आधा बचा है 5 चैप्टर, इसको भी हम पूरा ही करते हैं। छठे चैप्टर है टेस्ट मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपका 22 क्वेश्चन है। क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ₹50 मीटर डैश क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो सही आंसर आप दे दिए होंगे। यह 50 मीटर डैश जो है आपका गति मापा जाता है इससे, ठीक है? बस क्वेश्चन का आंसर दूंगी, डिटेल में पढ़ना है टेस्ट मेजर में तो आप प्लेलिस्ट में जाइए सभी चीजें पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए फुलरटन क्रियाशीलता परीक्षण किसने विकसित किया था? तो दोस्तों वरिष्ठ नागरिकों के लिए रिकली तथा जोन्स ने वरिष्ठ नागरिक पुष्टि परीक्षण यानी सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट विकसित किया था, जिसके अंतर्गत चेयर स्टैंड परीक्षण, बाजू यानी आर्म कर्ल टेस्ट, चेयर सीट एंड रीच टेस्ट, बैक स्क्रैच टेस्ट एंड 8 फुट अप एंड गो परीक्षण एंड 6 मिनट वॉक रेस्ट आता है 6 आइटम्स। तो इसको किसने विकसित किया था? तो रिकली एवं जॉन ने। कितने विकसित किया था? रिकली एवं जोन्स ने। ऑप्शन नंबर घ यहाँ पे राइट होगा, रिकली एवं जोन्स ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस वर्ष रिकली व जोन्स ने वरिष्ठ नागरिक पुष्टि परीक्षण का यानी सीनियर सिटीजन टेस्ट को बनाया था? रिकली एवं जोन्स ने किस वर्ष? तो यह बनाया था 2001 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न परीक्षणों में से कौन सा परीक्षण वरिष्ठ नागरिकों की समन्वय व एजिलिटी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो है आपका 8 फुट अप एंड गो परीक्षण। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न परीक्षणों में से वरिष्ठ यानी सीनियर सिटीजन टेस्ट के फुलरटन क्रियाशीलता परीक्षण के नाम से परीक्षण को जाना जाता है, तो वो कौन सा परीक्षण है? तो क्रियाशीलता परीक्षण के नाम से इसमें जाना जाता है कौन? तो
इसमें आपका कोई भी राइट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है आंसर है इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे क्रियाशीलता परीक्षण के नाम से किसको जाना जाता है? तो जैसे कि आपका इसमें 6 आइटम्स आते हैं, रिकली तथा जोस वरिष्ठ नागरिक पुष्टि परीक्षण में, चेयर सीट एंड रिच टेस्ट, चेयर स्टैंड टेस्ट में जो होता है शरीर के निचले भाग की शक्ति का मापा जाता है, आर्म कर्ल अप में आपका मापा जाता है ऊपरी भाग की शक्ति और सहन क्षमता, चेयर सीट एंड रिच टेस्ट में मापा जाता है निचले भाग की लचक यानी फ्लेक्सिबिलिटी को, बैक स्क्रैच टेस्ट में कंधों की लचक को मापा जाता है, 8 फुट अप एंड गो टेस्ट में समन्वय तथा फुर्ती को मापा जाता है, एंड 6 मिनट वॉक रन में एरोबिक क्षमता यानी कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सीट एंड रीच परीक्षण का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? सीट एंड रीच टेस्ट, यह मापा जाता है दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचक को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लचक मापने के लिए कौन से परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? तो यहां पे राइट आंसर होगा सीट एंड रीच। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहां पे आपको मिलान करना है, तो यहां पे आपको मिलान करना है यानी कि 6 मीटर रनवॉक क्या मापता है? एरोबिक क्षमता को मापता है। क्या मापता है? एरोबिक क्षमता यानी कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मापता है। तो एक का घ हो जाएगा, एंड सीट एंड रीच क्या मापता है? लचक यानी फ्लेक्सिबिलिटी। 2 का क हो जाएगा, पुश अप क्या मापता है? तो पुश अप जो है वह मापता है ऊपर की मांसपेशियों की शक्ति, हमारे बाएं और कंधे की शक्ति को मापता है, ख हो जाएगा। अब पार्शियल कर्ल अप, पार्टियल कर्ल अप जो होता है हमारे पेट की यानी उदरीय मांसपेशियों की शक्ति और सहन क्षमता को मापता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ख यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पार्टियल कर्ल अप टेस्ट क्या मापता है? तो यह हमारे उदर की शक्ति को मापता है, पेट की शक्ति को मापता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 है, एथलीट्स की गति किसके द्वारा मापा जाता है? तो गति 50 मीटर, 100 मीटर यानी कि 45 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक की जो 2 मिनट तक की क्रियाएं होंगी वो गति मापेगा। तो यहाँ पे आपका 50 मीटर डैश जो है वो गति मापता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मिलान करने वाला, तो यहाँ पे आपका क राइट हो जाएगा यानी कि आर्म कर्ल परीक्षण क्या मापता है? यह ऊपर शक्ति यानी कि ऊपरी बांह की शक्ति सहन शक्ति को मापता है यानी ख हो जाएगा क का। अब दूसरा है बैक स्क्रैच परीक्षण, बैक स्क्रैच परीक्षण क्या मापता है? यह ऊपर शरीर की लचक मापता है, यह हमारे ऊपर की बांह की कंधों की ऊपर भाग की लचक यानी फ्लेक्सिबिलिटी को मापता है। 6 मिनट चाल, 6 मिनट यानी 45 सेकेंड से 1-2 मिनट से ज्यादा है तो वो हमेशा हृदय वाहिका सहन क्षमता यानी एरोबिक क्षमता को मापेगा। तो 3 का ग हो जाएगा। 4 है चेयर सीट एंड रीच टेस्ट, यह आपका क्या मापता है? निचली पीठ की फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर को यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका अभी कथन से रिलेटेड, अ है फुल रटन क्रियाशीलता परीक्षण यानी जो सीनियर सिटीजन टेस्ट है, रिकली और जोन्स वरिष्ठ नागरिक पुष्टि परीक्षा के नाम से जाना जाता है, बात सही है। वह है रिकली और जोन्स ने फुलरटन क्रियाशीलता परीक्षा को विकसित किया, दोनों राइट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा, अ और ब दोनों राइट है, ब अ की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, रिकली और जोन्स परीक्षा का कौन सा मद नहीं है? तो यहाँ पे 8 फुट अप एंड गो है, 6 मिनट वॉक परीक्षा भी है, आर्म कर्ल अप भी है, सीट एंड रिच, चेयर सीट एंड रिच है,
ठीक है, यहाँ पे चेयर सीट एंड डिश नहीं लिखा है, बट यहाँ पे हो सकता है ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि रिकली एंड जोन्स परीक्षण के आर्म कर्ल में पुरुषों के लिए डंबल्स का भार कितना होता है, तो 8 पाउंड होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विद्यालय में साई खेलो इंडिया पुष्टि परीक्षा में 5 से 8 वर्ष के विद्यार्थियों के आयु समूह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षा प्रयोग किया जाता है, तो 5 से 8 वर्ष के लिए प्रयोग किया जाता है क्या, 5 से 8 वर्ष के लिए प्रयोग किया जाता है शारीरिक क्षमता यानी BMI, फ्लेमिंगो संतुलन परीक्षण, तीसरा समन्वय परीक्षण यानी प्लेट टैपिंग परीक्षण। तो यहाँ पे फ्लेमिंगो परीक्षण प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और क्या BMI परीक्षण एंड समन्वय परीक्षण यानी फ्लेमिंगो संतुलन परीक्षण और प्लेट यानी 5 से 8 वर्ष में 3 होते हैं, BMI, बॉडी कंपोजिशन, फ्लेमिंगो परीक्षण, समन्वय परीक्षण यानी कि प्लेट टैपिंग परीक्षा। तो यहाँ पे फ्लेमिंगो परीक्षा आपका राइट हो जाएगा, 15 का क राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है 50 मीटर डैश क्या मापने में सहायता करता है, तो गति। 17 है आंशिक कर्ल अप यानी पार्टियल कर्ल अप परीक्षा का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, तो यह किया जाता है पार्टियल कर्ल अप की बात कर रहा है, ठीक है, तो यहां पे राइट हो जाएगा पार्टियल कर्ल अप में, पार्टियल कर्ल अप में क्या राइट होगा, यहां पे पार्टियल कर्ल अप में आर्म कर्ल अप होता है तो आपका वो मापता है बांह की शक्ति, जबकि पार्टियल कर्ल अप आपका मापेगा उदरीय शक्ति को, किसको मापेगा उदरीय शक्ति को यानी पेट की शक्ति और सहन क्षमता को मापेगा, ठीक है, और आर्म जब शब्द आएगा तो ऊपर की शक्ति को, और पार्टियल कर्ल अप आएगा तो आपका उदरीय शक्ति और सहन क्षमता को मापेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है सीट एंड रिज परीक्षा का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, तो यह पीठ के नीचे तथा हैमस्ट्रिंग मांसपेशियों की फ्लेक्सिबिलिटी को मापता है यानी लचक को। क्वेश्चन नंबर 19 है 600 मीटर वॉक का दौड़ परीक्षण क्या मापता है, तो सहन क्षमता यानी कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस यानी एरोबिक क्षमता को मापता है। क्वेश्चन नंबर 20 है 1 से 3 कक्षा के विद्यार्थियों को मापने में कौन सा परीक्षण की आवश्यकता होती है, तो शरीर की बनावट रचना यानी BMI, प्लेट टैपिंग परीक्षण जो समन्वय को मापता है, फ्लेमिंगो परीक्षण संतुलन परीक्षण, उपरोक्त सभी चीजें ये तीनों आपके आवश्यक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि पुरुष व महिलाओं की BMR की गणना करने के लिए हैरिस व बेनेडिक्ट HND ने समीकरण को संशोधित किया, कब संशोधित किया, तो 1984 में। क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पे आपको मिलान करना है, तो यहाँ पे क राइट हो जाएगा, यानी कि चेयर स्टैंड परीक्षण क्या मापता है, यह शरीर के नीचे भाग की शक्ति को मापता है, आर्म कर्ल अप आर्म की बात हो रहा है तो ऊपर की शक्ति को मापता है, ठीक है, 2 का 3 हो जाएगा। बैक स्क्रैच परीक्षण तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, ऊपर की भाग की लचक यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करता है। चौथा है 6 मिनट वॉक परीक्षण, 6 मिनट वॉक परीक्षण ये आपका एरोबिक क्षमता सहन क्षमता को मापता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क आपका राइट होगा। इस प्रकार पाठ अध्याय 6 आपका समाप्त होता है, इसका उत्तर कुंजी यहाँ पे है, आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं। अब हम पाठ 7 पर आते हैं जिसका नाम है फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स, ठीक है, और इसके अंतर्गत हम देखेंगे दोस्तों कि क्वेश्चंस कितने हैं। इसके अंतर्गत
क्वेश्चंस हैं, कितने क्वेश्चंस हैं इसमें देख लेते हैं, कुल 38 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन हैं? कुल 38 क्वेश्चंस हैं इसमें। तो चलिए चलते हैं सातवें अध्याय पे। सातवें अध्याय पे यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, श्वेत मांसपेशियां रेशे बेहतर निपुण होते हैं। तो हमारे मसल्स में दो प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं, रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर। जो व्हाइट मसल फाइबर यानी श्वेत मांसपेशी होते हैं वो फास्ट ट्विस्ट होते हैं, तेजी से संकुचित होते हैं। जो रेड मसल फाइबर होते हैं वो धीरे धीरे संकुचित होते हैं। जो व्हाइट मसल फाइबर होते हैं फास्ट ट्विस्ट होते हैं, वो हमारे एरोबिक यानी कि शक्ति वाले क्रियाओं में ज्यादा उपयोग होते हैं। जबकि जो रेड मसल फाइबर होते हैं स्लो ट्विस्ट होते हैं, वो एरोबिक क्षमता यानी सहन क्षमता, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस में वाले खिलाड़ियों में ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा श्वेत मांसपेशियां बेहतर निपुण होती है तेजी से संकुचन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू है, एक मांसपेशी की कार्यात्मक दक्षता किस पर निर्भर करती है? तो उसके रेशों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। ठीक है, जैसे कि अभी आपने जाना। क्वेश्चन नंबर थ्री है, कोमल उत्तकों की चोटों में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो कोमल उत्तकों की चोटों में हमारे मांसपेशी और लिगामेंट एंड कंडरा की चोटें होती हैं। मांसपेशी लिगामेंट एंड कंडरा की चोटें होती हैं, मांसपेशी लिगामेंट एंड कंडरा की चोटें होती हैं। तो यहाँ पे जो होता है आपका कार्डियोजन, खिंचाव, रगड़ या छिलना, ये उपरोक्त सभी आपके कोमल उत्तकों की चोटें हैं। उपरोक्त सभी आपके कोमल उत्तकों की चोटें हैं। एंड क्वेश्चन नंबर फोर है दोस्तों, कि निम्न में से कौन कोमल उत्तकों की चोट नहीं है? तो खिंचाव है, खरोच है, नीला पड़ना है, कच्ची अस्थि भंग। तो अस्थि भंग कठोर उत्तक की चोट हो जाएगा, ये आपका नहीं होगा। तो चौथा का घर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव है, मुक्केबाजी में प्रायः कौन सा चोट लगती है? तो मुक्केबाजी में कांड यूजन यानी कि एकाएक भारी उपकरण से लग जाना, जैसे कि नीला पड़ जाना, ये होता है आपका कांड यूजन। क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि कौन से अस्थि भंग में एक अस्थि टूट जाती है तथा आंतरिक अंगों में को क्षति पहुंचाती है? तो वो आपका होता है जटिल अस्थि भंग। क्या होता है? जटिल अस्थि भंग, जिसमें क्या होता है कि एक अस्थि टूटकर आंतरिक कोमल अंगों में, जैसे कि फेफड़ा, हृदय, गुर्दे आदि में घुस जाती है, उसे जटिल अस्थि भंग यानी कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन है, एरोबिक क्षमता किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के साथ, तो ये ऑक्सीजन अंतर्ग्रहण, ऑक्सीजन उद्ग्रहण, ऑक्सीजन परिवहन, इन सभी क्षमताओं पर हमारी एरोबिक क्षमता जो है वो निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर आठ है कि निम्न कारकों में से कौन सा कारक लचक को यानी फ्लेक्सिबिलिटी को निर्धारित करता है? तो वह कारक होता है हमारा एरोबिक क्षमता, वातापेशी क्षमता। तो क्वेश्चन नंबर आठ का मेरे को कौन सा कारक लचक को निर्धारित नहीं करता आपका? तो लचक को निर्धारित करता है जोड़ों की बनावट, आयु और लिंग और पिछली चोट, ये सभी लचक को निर्धारित करता है। बट आपको एरोबिक क्षमता जो है यह आपका सहनशीलता को निर्धारित करता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन है, निम्न में से कोमल उत्तकों की चोट कौन सी है? तो रगड़ और छिलना है, चीरा है, खरोच है, ये सभी उपरोक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दस है, खिंचाव किसकी चोट है? खिंचाव यानी कि जो स्ट्रेन, स्ट्रेनम, मैंने बताया था कई बार ट्रिक की, स्ट्रेनम यानी कि खिंचाव होगा आपका मांस पेशी की चोट। कौन सी? मांसपेशी या कंडरा की चोट खिंचाव होगा, जबकि मोच जो होता है स्प्रेन, वो लिगामेंट की चोट होती है। क्वेश्चन नंबर इलेवन है, सहन क्षमता किस शरीर क्रियात्मक कारक द्वारा निर्धारित की जाती है? तो सहन क्षमता जो है वो निर्धारित होती है एरोबिक क्षमता पर, ऑक्सीजन अंतर्ग्रहण क्षमता पर।
क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे आपको मिलान करना है, यहाँ पे आपका क राइट होगा। गति, गति में क्या होता है, ए विस्फोटक शक्ति से रिलेटेड होता है। एक का घ, शक्ति क्या होता है, मांसपेशी के आकार पर निर्भर करता है। और सहनशीलता क्या होता है, सहनशीलता यानी एंड्योरेंस, ये एरोबिक क्षमता पर निर्भर करता है। लचक जो होता है, आयु लिंग इसको प्रभावित करती है। तो आंसर नंबर को आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कार्डियक आउटपुट क्या है। तो दोस्तों कार्डियक आउटपुट होता है एक मिनट में हृदय के द्वारा कितना रक्त को पंप किया गया, उसी को हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन 13 का क राइट हो जाएगा। प्रति मिनट हृदय द्वारा पंप किया गया रक्त कार्डियक आउटपुट होता है। एंड स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, एक पंप में जितना रक्त हृदय से शरीर की तरफ पंप किया जाता है एक धड़कन में, उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, जैसे 70 ml होता है। और कार्डियक वॉल्यूम क्या होता है, कार्डियक आउटपुट एक मिनट में जितना रक्त पंप करता है। तो दोस्तों कार्डियक आउटपुट ज्ञात करने का सूत्र है स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट। प्रति मिनट 72 बार धड़कता है हमारा हार्ट, और स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70 गुणे 72 करेंगे तो 5040 ml, यानी कि 5.04 लीटर एक मिनट में आपका हृदय जो है रक्त को पंप करता है, यानी कार्डियक आउटपुट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में से कौन सा अस्थि भंग का प्रकार नहीं है। तो यहां भी अस्थि भंग का प्रकार कौन नहीं है, आप क्वेश्चन पढ़ के आराम से जान लेंगे। पच्चड़ी अस्थि भंग, दबाव यानी स्ट्रेस फ्रैक्चर, एंड तिरछा यानी कि ऑब्लिक्यू फ्रैक्चर, ये तीनों है अस्थि भंग से संबंधित, बट रगड़ या छिलना नहीं है। यह आपका कोमल ऊतकों यानी कि मांसपेशी और कंडरा एंड लिगामेंट्स की चोटें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आपको यहां पे मिलान करना है। तो यहां पे आपका हो जाएगा क राइट हो जाएगा, यानी कि मोच जो है किसमें होती है, मोच यानी स्प्रेन, लिगामेंट की चोट में मोच यानी स्प्रेन होती है। खिंचाव किसमें होती है, मांसपेशी की चोट में होती है, ठीक है। अस्थि भंग क्या है, अस्थि का चोट है। एंड रगड़ या छिलना क्या है, ये त्वचा की चोट है, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर क राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, धीमी गति से संकुचन करने वाले रेशों को क्या कहा जाता है, इसके बारे में अच्छे से बताया गया है। लाल पेशी रेशे, और तेज गति से श्वेत पेशी रेशे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हेयर लाइन फ्रैक्चर को क्या कहा जाता है। तो इसको हम दबाव अस्थि भंग यानी स्ट्रेस फ्रैक्चर भी बोलते हैं। हेयर लाइन फ्रैक्चर को क्या कहते हैं, स्ट्रेस फ्रैक्चर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से कौन सा खेल चोटों का कारण नहीं है। तो दोस्तों अपर्याप्त वार्मिंग अप यानी पर्याप्त वार्मिंग अप नहीं किए हैं तो भी चोट आपको लगेगा, खेल सुविधाओं में कमी है तो भी लगेगा, थकावट के दौरान भी आप अभ्यास कर रहे हैं तो भी लगेगा, अगर खेल कौशलों का उचित ज्ञान है तो ये आपको चोट नहीं लगेगा, ये आपका कारण नहीं है। एंड क्वेश्चन नंबर 19 है कि कौन सा अस्थि भंग का उदाहरण नहीं है। दबाव अस्थि भंग है यानी स्ट्रेस फ्रैक्चर है, तिरछा अस्थि भंग यानी ऑब्लिक्यू जिसमें कि हड्डियां तिरछे से टूट जाती है, एंड आड़ा तिरछा अस्थि भंग ये भी है बट रगड़ और छिलना नहीं है, ये कोमल उत्तकों की चोटें हैं, त्वचा की चोटें हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पे आपको मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पे 1 आपका राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि खिंचाव ये मांसपेशी की चोट है, ग होगा एक का, मोच यानी स्प्रेन ये लिगामेंट की चोट है, टू का घ होगा, खरोज है ये त्वचा की चोटें हैं, तो थ्री का ख होगा यानी कि घाव से रक्त बहना, विस्थापन क्या है, डिसलोकेशन ये जोड़ों की चोट है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर नंबर क आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, रक्त से कार्यरत मांसपेशी द्वारा अवशोषित व खपत की जा सकने वाली ऑक्सीजन की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है दोस्तों
ऑक्सीजन उद्ग्रहण। क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन उद्ग्रहण, यानी रक्त से कार्यरत मांसपेशियों द्वारा अवशोषित व खपत की जा सकने वाली ऑक्सीजन की मात्रा को हम ऑक्सीजन उद्ग्रहण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, लिगामेंट का अधिक खिंचाव किसके कारण होता है? तो लिगामेंट के खिंचाव से क्या होता है? स्प्रेन यानी कि मोच हो जाता है। क्या हो जाता है? मोच हो जाता है, खोराइट है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मोच किसकी चोट है? तो मोच यानी स्प्रेन लिगामेंट के खींचने के कारण होता है। लिगामेंट दो अस्थियों को जोड़ों पर जोड़ता है, जबकि टेंडन जो होता है मांसपेशियों को, कंकाल मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, खरोंच क्या है? खरोंच जो है एक त्वचा पर अनियमित कटाव है। क्या है? त्वचा पर अनियमित कटाव है, त्वचा की चोट है। क्वेश्चन नंबर 25 है, गति को निर्धारित करने वाला कारक कौन है? तो दोस्तों गति को निर्धारित करने वाला कारक कौन है इसमें? तो यहां पे विस्फोटक शक्ति भी है और शरीर का भार भी है। कम भार रहेगा तो आप ज्यादा गति करेंगे, ज्यादा भार रहेगा तो कम गति करेंगे, तो ये भी निर्धारित करेगा। तो यहाँ पे आपका क और ख दोनों राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, कुल्हे का विस्थापन अस्थि सॉकेट से बाहर आ जाना क्या कहलाता है? तो कुल्हे के विस्थापन जो हमारा कुल्हे का जो हिप का डिसलोकेशन होता है, तो कौन अस्थि सॉकेट से जोर से बाहर आ जाता है? तो इसमें आपका बाहर आ जाता है फीमर। कौन हो जाता है? फीमर हड्डी, जो हमारे शरीर की सबसे लंबी व भारी अस्थि होती है। एंड जो हमारा कंधे का डिसलोकेशन होता है, वहां पे हमारा ह्यूमरस हड्डी बाहर आ जाती है। एंड क्वेश्चन नंबर 27 है, वह अस्थि भंग जिसमें टूटी हुई अस्थि का भाग दूसरी अस्थि में घुस जाता है, तो उसे हम कहते हैं इंपैक्टेड अस्थि भंग। यानी कि आपका 27 का राइट हो जाएगा पच्चड़ी अस्थि भंग। वह अस्थि भंग जिसमें टूटी हुई अस्थि का भाग दूसरी अस्थि में घुस जाता है, दूसरी अस्थि में घुस जाता है, इसको हम पच्चड़ी अस्थि भंग या इंपैक्टेड या संघात अस्थि भंग, यानी हड्डी टूटकर दूसरी हड्डी पर घुसकर रगड़ खाता है एक दूसरे में। ठीक है, जब मुलायम अंगों में घुसने की बात करेगा टूट गए, तो वहां पे जटिल अस्थि भंग यानी कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, विस्थापन का संबंध है किसकी चोट से? तो जोड़ों की चोट से। किसकी चोट से? जोड़ों की चोट से रिलेटेड है, याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से मांसपेशियों का कौन सा कार्य है? दोस्तों तो मांसपेशियों का कार्य कौन सा है इसमें? तो यह हमारे शरीर को संरचना और सहारा प्रदान करता है, एक आकार आकृति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, अभिकथन से रिलेटेड, अभिकथन अ है कि कुछ सीमा तक खेल चोटों को कम किया जा सकता है। सही है, ब है कि खेल कौशलों की उचित जानकारी खेल चोटों के बचाव में सहायता नहीं करता, एकदम गलत है। तो अ सही है, ब गलत है। यहाँ पे आंसर नंबर ग राइट होगा, अ सही है, ब गलत है। क्वेश्चन नंबर 31 है, धीमी गति से संकुचन वाले रेशों का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है, और तेज गति से संकुचन वाले का रंग सफेद होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 32 है, मांसपेशियों का कौन सा गुण नहीं है? तो दोस्तों मांसपेशियों में संकोचनशीलता होता है, उत्तेजनशीलता होता है, प्रसार और फैलाव की योग्यता होता है, बट स्थायित्व और टिकाव पर यह आपका विशेषता नहीं है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 33 है, शारीरिक गतिविधियां क्रिया बढ़ाने में सहायक होती है कौन? दोस्तों तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मांसपेशियों का आकार। एंड क्वेश्चन नंबर 34 है, यह एक बीमारी है जिसमें अस्थि कमजोर होने से अस्थि टूटने का खतरा बढ़ जाता है, तो वह कौन सा बीमारी होता है? उसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, कैल्शियम फास्फोरस की कमी हो जाती है। एंड क्वेश्चन नंबर 35 है, RICE उपचार क्या है? तो दोस्तों RICE प्राथमिक उपचार की, इसके हम थंब
रूल भी कहा जाता है इसको, प्राथमिक उपचार की पद्धति है। तो आर से मतलब होता है रेस्ट यानी कि आराम, आर से मतलब होता है रेस्ट यानी कि आराम, ठीक है। तो यहाँ पे आर से मतलब होता है रेस्ट यानी कि आराम, एंड आई से मतलब होता है आइस यानी बर्फ लगाना, सी से मतलब होता है कंप्रेशन यानी दबाव करना, ई से होता है इलेवेशन यानी हृदय की ऊंचाई से ऊपर उठाना। तो यहाँ पे आपका ख राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, अभिकथन से रिलेटेड है। अभिकथन अ है कि मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के जोड़ होते हैं, ठीक है, बात सही है। विभिन्न प्रकार के, तीन प्रकार के जोड़ होते हैं, चल, अचल और अर्धचल। एंड ख है सभी व्यक्तियों के जोड़ों की गति का विस्तार समान होता है। नहीं दोस्तों, ब आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर घ राइट हो जाएगा, अ सही है बट ब गलत है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से, यहाँ भी अभिकथन से रिलेटेड है। अभिकथन अ है कि मूंच एक कोमल उत्तक की चोट है, ठीक है। तो सही बात है, मूंच एक कोमल उत्तक की चोट है। कोमल उत्तक में हमारा मांसपेशी, लिगामेंट और टेंडन की चोटें आती है, और कठोर उत्तक में हमारे अस्थि और जोड़ों की चोटें आती है। एंड ब है अस्थि भंग एक कठोर उत्तक चोट है, ये भी सही है, अस्थि भंग कठोर उत्तक चोट है। तो अ ब दोनों सही है बट ब अ की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ख राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि ऑक्सीजन की वह मात्रा जो रक्त में से शरीर में कार्यरत मांसपेशियों द्वारा अवशोषित व उपयोग की जा सकती है, उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है ऑक्सीजन उद्ग्रहण। तो दोस्तों, ये आपका 7वां चैप्टर आपका समाप्त होता है। अब इसका उत्तर कुंजी यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब आते हैं 8वें चैप्टर पे, जिसका नाम है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। क्या नाम है? बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स इस चैप्टर का नाम है, जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चैप्टर। या इसके अंतर्गत हमारे 35 क्वेश्चन हैं बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत। तो चलते हैं, इस पे भी रुकना नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पे क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दोस्तों रुकिएगा मत, आप रेस्ट ले लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर करके देखिए, लेकिन पूरा देखिए। सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसी तरह क्लास 11th का भी है। एंड इन दोनों क्लास के आप पढ़ लेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, निम्न में से जड़ता के नियम का उदाहरण कौन सा है। तो जड़ता के नियम का उदाहरण, तो यहाँ पे दोस्तों नाव खेना, रोमन रिंग्स का प्रारंभ करना, कुश्ती में विरोधी को ऊपर उठाना, ये सभी के सभी आपके क्या हैं, न्यूटन के प्रथम नियम जड़ता के नियम के उदाहरण है। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, प्रथम नियम जड़ता का नियम, दूसरा नियम संवेग का नियम, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से प्रतिक्रिया के नियम का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पे प्रतिक्रिया के नियम का यानी क्रिया प्रतिक्रिया, न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में बात कर रहा है। तो ट्रैम्पोलिन पर बाउंसिंग करना, थर्ड लॉ क्या कहता है आपका, कि किसी वस्तु पर जितना बल लगाया जाता है उतना ही बल वस्तु हम पर भी लगाती है। तो यहाँ पे ट्रैम्पोलिन पर बाउंसिंग करना, ये भी राइट है। डाइविंग बोर्ड पर अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए उछलना, ये भी राइट है। तैराकी में पानी के बहाव के विपरीत दिशा में जल को धकेलना, ये भी राइट है। ये न्यूटन के तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है ये तीनों एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 3 है, जीव यांत्रिकी निम्न में सहायता करती है, क्या करने में दोस्तों। जैव यांत्रिकी यानी कि प्राणियों द्वारा यंत्रों पर उपकरणों पर लगाए गए गति, यानी कि शरीर को तकनीकी को सुधारने में, खेल उपकरणों के डिजाइन को सुधारने में, पढ़ाने व सिखाने में, ये सभी चीजों में जैव यांत्रिकी जो है आपका सहायता करती है। ऊपर सभी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा गति का नियम नहीं है। तो दोस्तों गति का नियम कौन नहीं है, तो न्यूटन ने 3 गति का नियम दिया था। प्रथम नियम जड़ता का नियम, द्वितीय नियम त्वरण का नियम, तृतीय नियम प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का। यहाँ पे तत्परता का नियम, गति का नियम नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 5 है, घर्षण क्या है? घर्षण क्या है? तो दोस्तों ये एक आवश्यक बुराई है और एक शत्रु है, ये दोनों आपका राइट हो जाएगा। दो सतहों पर वस्तु और भूमि की सतह पर लगने वाला जो बल होता है उसे घर्षण बल कहते हैं, और खुरदरी सतह पर घर्षण ज्यादा होता है, चिकनी सतह पर घर्षण कम होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, न्यूटन की गति के दूसरे नियम को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो दूसरे नियम को हम जानते हैं त्वरण के नियम के नाम से। किस नियम के नाम से? त्वरण के नियम, या संवेग का नियम, या लॉ ऑफ मोशन, या लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, या लॉ ऑफ मोमेंटम, या बल के प्रतिफल का नियम, इतने नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम को इस नाम से भी जाना जाता है, तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़ता का नियम के नाम से जाना जाता है, और इसको अकर्मण्यता का नियम, गैलीलियो का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन है 9 है कि बर्फ पर स्केटिंग करना किसका उदाहरण है? तो दोस्तों बर्फ पर स्केटिंग करना सर्पल घर्षण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सर्पल घर्षण का, ठीक है, सर्पल बर्फ पर स्केटिंग करना सर्पल घर्षण का उदाहरण है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, जब हम लंबी कूद में टेक ऑफ लेते हैं तो गति का कौन सा नियम लागू होता है? तो टेक ऑफ ले रहे हैं, स्थिर अवस्था से गति अवस्था में हो रहे हैं, तो कौन सा गति का नियम लागू होगा? तो दोस्तों यहाँ पे गति का तीसरा अवस्था नाम लागू होगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि जिस गति से वो पैर को पीछे की तरफ धकेलता है उस गति से वो आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पोल वाल्ट में टेक ऑफ के दौरान न्यूटन का कौन सा गति का नियम लागू होता है? पोल वाल्ट में टेक ऑफ ले रहा है तो यहां पे भी कौन सा नियम लागू होगा? गति का तीसरा नियम, प्रतिक्रिया का नियम लागू होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है, घर्षण एक वस्तु की क्या है? हाँ, घर्षण क्या है? एक वस्तु के विरुद्ध काम करता है, याद रखिएगा, एक वस्तु के विरुद्ध कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, तैराकी में पानी के विरुद्ध जोर लगाना धकेलना किस नियम का उदाहरण है? तो न्यूटन के तृतीय नियम का, प्रतिक्रिया नियम का उदाहरण है, यानी कि तैराकी में पानी को, जब तैराक जो है पानी को पीछे धकेलता है तो उतना ही बल आगे की तरफ लगता है तो तैराक आगे जाता है, प्रतिक्रिया के नियम के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 14 है कि वह शक्ति जो वस्तुओं के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो गति का विरोध हमेशा कौन करता है? घर्षण बल। कौन करता है? घर्षण बल, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग करना किसका उदाहरण है? इजी क्वेश्चन है, न्यूटन के तृतीय नियम, प्रतिक्रिया के नियम, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 16 है, त्वरण का नियम इस नाम से भी जाना जाता है, तो उसको हम संवेग के नियम के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी वस्तु का त्वरण बढ़ जाएगा जैसा कि उसके आधार पर कुल बल बढ़ता है, तो दोस्तों त्वरण बढ़ जाएगा कब? जब द्रव्यमान क्या होगा? 17 का राइट आंसर होगा द्रव्यमान। क्या होगा? द्रव्यमान। किसी वस्तु का त्वरण बढ़ जाएगा जैसा कि इसके आधार पर कुल बल बढ़ता है, यानी कि द्रव्यमान के आधार पर, यानी कि जो वस्तु का जो त्वरण संवेग होता है, द्रव्यमान और बल, दो, द्रव्यमान बल और त्वरण तीन होता है, जो त्वरण हमारा संवेग होता है वो बल के समानुपाती होता है, जितना बल लगाएंगे उतना संवेग होगा, लेकिन भार के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, भार ज्यादा रहेगा तो संवेग कम होगा, भार कम रहेगा तो संवेग ज्यादा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि लंबी कूद में टेक ऑफ के दौरान गति का कौन सा नियम लागू होता है? तो आप पढ़ चुके हैं यहाँ पे, प्रतिक्रिया का नियम लागू होगा, जितने पीछे वो अपने को धकेलेगा उतने आगे उसको
धकेला जाएगा, प्रतिक्रिया का नियम। क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पे आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे आपका जड़ता का नियम, जड़त्व का नियम क्या करता है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल होगा आपका रोमन रिंग प्रारंभ करना, यानी कि ए का टू, अ का टू। एंड प्रतिक्रिया का नियम क्या करेगा, ऊंची कूद में टेक ऑफ लेना आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, याद रखना। सर्पल घर्षण में क्या होगा, बर्फ पर स्केटिंग करना सर्पल घर्षण है। स्थिर संतुलन क्या है, जिम्नास्टिक में हैंड स्टैंड करना स्थिर संतुलन है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर बी है अभिकथन से रिलेटेड। अभिकथन अ है कि जीव यंत्र की शक्तियों व जीवित प्राणियों पर उनके प्रभावों का अध्ययन करता है, तो बात सही है। एंड ग है जीव यंत्र की शारीरिक शिक्षा का उप विषय नहीं है, तो ये एकदम गलत है। तो ए सही है और ब गलत है, ए सही है और ब गलत है, यहाँ पे ग आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है घर्षण बल वस्तु की गति को विपरीत दिशा में कार्य करता है, याद रखिएगा जो घर्षण बल होता है वह वस्तु की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, यानी गति का विरोध करता है। अगर खुरदुरा सतह होगा तो घर्षण ज्यादा होगा एंड चिकना सतह होगा तो घर्षण कम होगा। जैसे कि जो स्पोर्ट्स में जो रनर्स होते हैं, एथलेटिक्स होते हैं, उनके पैरों के जो जूते होते हैं उसमें सोल लगाया जाता है, क्यों, घर्षण बल बढ़ाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्न खेलों में से घर्षण कम से कम कौन से खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, निम्न खेलों में से घर्षण जो है कम से कम कौन से खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आइस स्केटिंग। आइस स्केटिंग में कम से कम भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों मानव शरीर का अध्ययन तथा इस पर कार्य कर रही विभिन्न शक्तियों को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपको जीव यांत्रिकी विज्ञान। क्या कहा जाता है, जीव यांत्रिकी विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 24 है घर्षण को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, तो दोस्तों घर्षण को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, शुष्क सतह पर, खुरदुरा सतह पर ज्यादा घर्षण होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान व बल के बीच क्या संबंध है, द्रव्यमान यानी भार और बल के बीच विपरीत समानुपाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 25 का राइट क्या हो जाएगा, क और ग दोनों, प्रत्यक्ष अनुपातिक और विपरीत समानुपातिक, क और ग दोनों। क्वेश्चन नंबर 26 है जीव यांत्रिकी का संबंध होता है किससे दोस्तों, जीव यांत्रिकी का संबंध होता है यांत्रिकी और शरीर रचना विज्ञान। यहाँ पे जैव यांत्रिकी, यांत्रिकी और शरीर रचना विज्ञान यानी कि भौतिकी और जीव, जीव से संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि नीचे की ओर उछाल पर जितना अधिक बल लगाया जाता है गेंद उतनी ही अधिक हवा में उछलती है, इस कथन में कौन सा नियम उल्लेख है, तो आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल देख के ही, न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है, जितना आप वस्तु पर बल लगाएंगे वो भी आप पर उतना ही बल लगाएगा, तो तीसरे नियम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 28 है एक ऊंची कूद कूदने वाला ठोस सतह से अधिक ऊंची कूद लगा सकता है क्योंकि यह उसके शरीर का उतना ही विरोध करता है जितना वह उत्पन्न करने में सक्षम होता है, यह क्या संदर्भित करता है, तो यह संबंधित करता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि न्यूटन के तृतीय नियम का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है किसी वस्तु का त्वरण वस्तु पर कार्य करने वाले शुद्ध बल पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता है और विपरीत रूप से वस्तु के किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर, किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर, यानी कि जो संवेग होता है बल के समानुपाती होता है और द्रव्यमान यानी भार के व्युत्क्रमानुपाती होता है, विपरीत होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है जब एक क्रिकेट बॉल हिट की जाती है तो यह मैदान की सतह पर लुढ़कती है और कुछ समय के बाद
अंत में रुक जाती है, बाल पर किस प्रकार की गतिशील घर्षण लागू होता है? तो दोस्तों यह घर्षण लागू हो रहा है आपका रोलिंग घर्षण। कौन सा? रोलिंग घर्षण। क्वेश्चन नंबर 31 है, जीव यांत्रिकी में पुल तथा पुश को क्या कहा जाता है? जीव यांत्रिकी को पुल और पुश करना, इसको कहा जाता है बल। क्या कहा जाता है? बल यानी फोर्स। फोर्स में हम खींचते हैं और धक्का देते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन सा गतिशील संकुचन का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा गतिशील संकुचन का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे जिम्नास्टिक में हैंड स्टैंड करना, ये स्थिर संकुचन है, संतुलन है। जबकि क्वाड हिल करना, स्केट पर दौड़ना, ट्रम्पोलिन पर जंप करना, ये गतिशील है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न कारकों में से कौन सा परवैलिक प्रवक यानी प्रक्षेप पद को नहीं करता है? निम्न में से कारकों में से कौन सा परवैलिक प्रक्षेप पथ को प्रभावित नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? तो यहाँ पे प्रक्षेपक का कोण भी करेगा, किस कोण पर आप फेंक रहे हैं, और वेग किस वेग से जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल भी करेगा, बस घर्षण बल नहीं करेगा, क्योंकि ये दो सतहों की जरूरत होती है घर्षण बल में। क्वेश्चन नंबर 34 है, जिम्नास्टिक में क्वाड हिल इसका एक उदाहरण है। तो ये है आपका गतिशील संकुचन संतुलन का उदाहरण है क्वाड हिल। क्वेश्चन नंबर 35 है, त्वरण के नियम में किसी वस्तु का त्वरण किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो वह होता है आपके त्वरण के नियम में किसी वस्तु का त्वरण किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो बल के समानुपाती होता है। बल के क्या होता है? बल के अनुक्रमानुपाती समानुपाती होता है, बट यह द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है। तो त्वरण के नियम में किसी वस्तु का जो त्वरण होता है वह किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे बुक में आंसर गलत दिया है, बल दिया है, बट होगा द्रव्यमान आपका। इस प्रकार ये आपका 8वां चैप्टर समाप्त होता है। इसका आंसर कुंजी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं। अब पाठ 9 की तरफ जाते हैं, जिसका नाम है मनोविज्ञान तथा खेल। जिसका नाम है मनोविज्ञान तथा खेल। तो 8 चैप्टर आपका पूरा हो गया, 2 चैप्टर में आपको और अभी धैर्य रखने की जरूरत है। एंड यहाँ पे आपको क्वेश्चंस हैं आपके 28 क्वेश्चंस, पाठ 9 में 28 क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ब्रेक के। आप ब्रेक ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, फिर आप रेस्ट लेके देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि सेल्डन के व्यक्तित्व के वर्गीकरण में किस श्रेणी को सम्मिलित किया जाता है? सेल्डन ने 3 बॉडी टाइप को बांटा था, एंडोमोर्फ, मेसोमोर्फ, एक्टोमोर्फ। यहाँ पे उपरोक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कार्ल जंग ने व्यक्तित्व के वर्गीकरण में कितनी श्रेणी को बांटा था? तो उन्होंने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, 3 भागों में बांटा था। तो उपरोक्त सभी यहाँ भी राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यक्तित्व की 5 विशेषताओं में से एक कौन सा नहीं है? तो 5 विशेषताएं आपकी होती है बहिर्मुखता, सहमतता, मनोविच्छेदता, ये तीनों है, बट आपका समीपता नहीं है, समीपता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सी आक्रामकता में दूसरे खिलाड़ी को चोट पहुंचाना मुख्य लक्ष्य होता है? तो दूसरे खिलाड़ी को चोट पहुंचा रहा है तो मतलब वो शत्रुतापूर्ण आक्रामकता है। ऑप्शन नंबर ख आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एंडोमोर्फिक, मेसोमोर्फिक व एक्टोमोर्फिक किसके प्रकार है? दोस्तों तो ये व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी के प्रकार है जिसको बांटा है सेल्डन ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्यवहारिक होना, कल्पनाशील होना, नए विचारों की ओर अनेक रुचियां होना किसकी विशेषताएं हैं? तो ये आपका ओपन माइंडेड यानी कि खुलापन का विशेषता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ऊर्जावान होना, सामाजिक होना, बातूनी होना, मित्रतापूर्ण होना आदि किससे संबंधित है?
तो दोस्तों ये है आपका बहिर्मुखता, बहिर्मुखी विशेषता है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, बहिर्मुखी अंतर्मुखी उभयमुखी विशेषताएं किसके द्वारा दी गई थी, तो कार्ल जंग के द्वारा। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे आपको मिलान करना है, तो यहाँ पे आपका ख राइट होगा, तो यहाँ पे आपको मिलान करना है, तो सहमतता किसमें हो जाएगा आपका, दयालु और मित्रतापूर्ण। खुलापन क्या होगा, कल्पनाशील और व्यवहारिक। बहिर्मुखता क्या होगा, ऊर्जावान और बातूनी। मनोविशुद्धता क्या होगा, भावनात्मक स्थिरता। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ख यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऐसे व्यक्ति जो भावनात्मक रूप से अस्थिर तथा नकारात्मक भावनाओं वाले होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं मनोविशुद्धता के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 11 है, भावनात्मक अस्थिरता, चिंता, उदासी कौन से व्यक्तित्व के आयाम है, तो यह है मनोविशुद्धता के। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी खिलाड़ी का आक्रामक व्यवहार प्रभावित होता है, तो आक्रामक व्यवहार किसके द्वारा प्रभावित होता है, तो टीम के साथ भावनात्मक लगाव के कारण, रणनीति की काबिलियत के कारण, लक्ष्य के दिशा निर्देशित व्यवहार के कारण। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऐसा व्यवहार जो दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाने की इच्छा से किया जाता है उसे हम आक्रामकता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मेसोमोर्फ में मेसो से क्या तात्पर्य है, एक्टो एंडोमोर्फ मतलब गोलकाय वसायुक्त शरीर, और मेसोमोर्फ यानी पेशीय मजबूत मांसपेशियां होती है, और एक्टोमोर्फ मतलब अस्थि प्रधान वाला शरीर, दुबला पतला शरीर। यहाँ पे मेसोमोर्फ से मेसो में तात्पर्य है पेशीय, पेशियों से तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पे आपको मिलान करना है, यहाँ पे घ आपका राइट होगा। एंडोमोर्फ में क्या होता है, ए का 2 हो जाएगा, गोल शरीर होता है। परसोना का मतलब होता है पर्सनालिटी, परसोना शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है मास यानी मुखौटा। ब का 1 होगा। मनोविशुद्धता से क्या तात्पर्य है, तो स का 4 होगा, मूढ़ी और तनाग्रस्त व्यक्ति होता है। स मतलब दयालु और मिलनसार होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर घ यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 भी है, आपका मिलान करना है, तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर घ राइट होगा, यानी कि एंडोमोर्फ क्या होगा, गोल शरीर, अ का 1 ही होगा। मेसोमोर्फ क्या होगा, पेशीय शरीर, पेशी प्रधानता होती है। एंड एक्टोमोर्फ क्या होगा, पतला शरीर, ठीक है। एंड अंतर्मुखी क्या होगा, आत्मकेंद्रित, अंदर भावनाओं में रहने वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मेसोमोर्फ में मेसो से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पे पेशीय क्रिया से तात्पर्य है, पेशियों से। क्वेश्चन नंबर 18 है, अभिकथन से रिलेटेड है, अभिकथन अ है कि क्रिकेट में एक बैट्समैन को मनोवैज्ञानिक रूप से असुविधा पैदा करने के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है, सही बात है। अब वह है अपशब्दों का प्रयोग सहायक आक्रामकता का उदाहरण है, नहीं दोस्तों, ये आक्रामक यानी कि शत्रुतापूर्ण आक्रामकता का उदाहरण है, यानी कि बहुत गलत है। तो यहाँ पे 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ सही होगा, अ सही है बट ब गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक व्यक्ति जो साहसी तथा बहिर्गामी होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बहिर्मुखी। क्या कहते हैं, बहिर्मुखी। क्वेश्चन नंबर 20 है, खेल मनोवैज्ञानिक एथलीट्स के क्या बढ़ाने में सहायता करते हैं, तो खेल प्रदर्शन को बढ़ाने में सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, एंडोमोर्फिक, मेसोमोर्फिक, एक्टोमोर्फिक प्रकार है किसके, यह व्यक्तित्व के प्रकार है जिसको बांटा है 3 भागों में सेल्डन ने। क्वेश्चन नंबर 22 है, आक्रामकता का प्रयोग करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति करने में जो सहायता होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो लक्ष्य की प्राप्ति जब होगा, आक्रामकता का प्रयोग करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति शब्द जब आएगा, तो वहां पे सशक्त
या मुखर व्यवहार होगा। और जब उसका उद्देश्य रहेगा खिलाड़ी का जीतना आक्रामकता का प्रयोग करते हुए, तो वो सहायक आक्रामकता होगा। जब किसी को चोट पहुंचाना उद्देश्य होगा तो वहां पे शत्रुतापूर्ण आक्रामकता होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, ऐसे व्यक्तियों को जो स्वयं को आत्म केंद्रित रखते हैं, उनका विचारों का अपना संसार होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है अंतर्मुखी। क्या कहा जाता है? अंतर्मुखी। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक गुण एक व्यक्ति के रूप में स्वयं के मूल्य और सम्मान से संबंधित है? तो वह होता है आपका आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सा मनोवैज्ञानिक गुण उन मूल्यों, विश्वासों और दृष्टिकोणों को संदर्भित करता है जो एक व्यक्ति अपने बारे में रखता है? तो उसे हम कहते हैं आत्मसम्मान, यानी कि सेल्फ एस्टीम। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक विशेषता या गुण में एक एथलीट आमतौर पर कहता है मैं कर सकता हूँ, मैं ऐसा पहले भी कर चुका हूँ? तो इसमें आपका आत्मचर्चा, यानी अपने आप से बात करना होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक व्यक्ति जो नई चीजें, नई अवधारणाएं और नए अनुभव सीखना पसंद करता है, उसे किसके रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो उसे खुलापन, यानी कि ओपन माइंडेड के रूप में चिन्हित किया गया है। इस प्रकार आपका ये समाप्त होता है नौवां चैप्टर, यानी कि अब इसका नौवां चैप्टर का उत्तर कुंजी यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। यानी कि अब केवल एक चैप्टर बचा है जिसका नाम है खेलों में प्रशिक्षण, यानी स्पोर्ट ट्रेनिंग। इसका नाम है स्पोर्ट ट्रेनिंग। इसके अंतर्गत आपका 45 क्वेश्चन है, आपको धैर्य बना के इसको देखना होगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न विधियों में से लचक को बढ़ाने वाली विधि कौन सी है? तो दोस्तों लचीलापन को विकसित करने की बैलेस्टिक स्टैटिक डायनेमिक पीएनएफ मेथड है। तो यहाँ पे बैलेस्टिक और स्थिर खिंचाव विधि एंड गतिशील खिंचाव विधि, ये तीनों सही हो जाएंगे, यानी उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे राइट होगा। ये तीनों फ्लेक्सिबिलिटी को विकसित यानी डेवलप करने की विधियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से कौन सा समन्वय यानी तालमेल यानी कोऑर्डिनेशन एबिलिटी को प्रकार नहीं है? तो 7 प्रकार के होते हैं, ए बी सी डी आर आर ओ, मैंने बताया था। ए से एडाप्टेशन एबिलिटी यानी रिएक्शन, ए से एडाप्टेशन यानी कि अनुकूलन योग्यता, बी से बैलेंस यानी कि संतुलन योग्यता, सी से कैपलिंग यानी कि युग्मन योग्यता, डी से डिफ्रेंशिएशन यानी वर्गीकरण योग्यता, पृथक्करण योग्यता, आर से रिएक्शन एबिलिटी प्रतिक्रिया योग्यता, आर से रिदमिक एबिलिटी एंड ओ से ओरिएंटेशन यानी कि निर्धारण योग्यता। ये 7 प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे कौन सा नहीं है? संयोजन योग्यता है, बैलेंसिंग योग्यता है, प्रतिक्रिया योग्यता है, बट हैंडलिंग योग्यता आपका प्रतिक्रिया समन्वय योग्यता का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से सहन क्षमता को विकसित करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों सहन क्षमता को विकसित करने के लिए कंटीन्यूअस इंटरवल, रिपीटेशन, कंपटीशन आदि विधियों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे नियंत्रण प्रशिक्षण, अंतराल प्रशिक्षण, फार्टलेक विधि, ये सभी आपको सहनशीलता को डेवलप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिन के द्वारा किस प्रकार के व्यायाम को विकसित किया गया था? तो जेम्स पेरिन ने 1968 में आइसोकाइनेटिक व्यायाम की खोज किया था, ली डोनो ने आइसोटोनिक की, हेटिंगर मुलर ने आइसोमेट्रिक की खोज किया था। तो जेम्स पेरिन ने कौन सा व्यायाम को विकसित किया था? आइसोकाइनेटिक व्यायाम को, जो अक्सर उपकरणों के साथ किया जाता है। एक स्थिर गति होती है, सेम गति होती है, और जैसे पानी वाले खेल, तैराकी, रोइंग आदि में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन एक गतिशील शक्ति का भाग नहीं है? तो गतिशील शक्ति का भाग है अधिकतम शक्ति, विस्फोटक शक्ति, शक्ति सहनशीलता, ठीक है? ये तीनों आपका भाग है, बट स्थिर शक्ति आपका भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा उदाहरण आइसोकाइनेटिक व्यायाम का नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बर्फ पर स्केटिंग करना, रोलर को धकेलना, रस्सी पर चढ़ना आइसोकाइनेटिक व्यायाम का उदाहरण है, बट आपका साधारण की स्थिति में खड़े रहना ये नहीं है, आइसोमेट्रिक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्थिर शक्ति का दूसरा नाम क्या है?
तो इसका दूसरा नाम है आइसोमेट्रिक, जिसे मांसपेशियों की लंबाई सेम होती है, तनाव बना रहता है, गति होता हुआ दिखाई नहीं देता है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, किस प्रकार के व्यायाम में प्रत्यक्ष गतियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं? तो प्रत्यक्ष गतियां स्पष्ट रूप से किसमें दिखाई नहीं देती हैं दोस्तों, यही पढ़ने में मिस्टेक मत कीजिएगा। देखिए पढ़ने में मिस्टेक हो गया, दिखाई देती है तो आइसोटोनिक हो जाएगा, दिखाई नहीं देती है गतियां तो आइसोमेट्रिक हो जाएगा। यहाँ भी मिस्टेक हो जाएगा आपको पढ़ने में, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा किसमें गति नहीं दिखाई देती है, तो आइसोमेट्रिक व्यायाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, गतिविधि या क्रियाकलाप की प्रकृति के अनुसार निम्न में से कौन सा सहन क्षमता का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों प्रकृति के अनुसार मूलभूत विशिष्ट और मूलभूत सामान्य विशिष्ट तीन प्रकार की गतिशीलता सहनशीलता होती है। तो मूलभूत विशिष्ट एंड सामान्य है, बट आपका गति सहन क्षमता नहीं है। ये आपका स्पीड के तीव्रता के आधार पर है, ये तीव्रता के आधार पर जैसे कि है आपके स्पीड एंड मध्य स्पीड और ज़्यादा स्पीड और गति सहनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाटलेक प्रशिक्षण में से किसे अच्छा विकसित करता है? तो यह सहनशीलता को डेवलप करता है, स्वीडिश शब्द है जिसका मतलब होता है स्पीड प्ले, और बिना प्रॉपर प्लानिंग के किया जाता है। 1937 में गोस्टा हावलर ने इसको बनाया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, यह किसी संकेत के प्रति तीव्रता व प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने की योग्यता है। किसी संकेत के प्रति तीव्रता व प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने की योग्यता है, तो क्या हो, जैसे कि बंदूक का आवाज़ सुनते ही तुरंत दौड़ना स्टार्ट कर देता है, यह है प्रतिक्रिया योग्यता, रिएक्शन एबिलिटी, प्रतिक्रिया योग्यता, रिएक्शन एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाटलेक प्रशिक्षण विधि किसके द्वारा विकसित की गई? तो दोस्तों गोस्टा होमलर के द्वारा यह 1937 में विकसित की गई, जो सहनशीलता को डेवलप करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जब मल्टी जिम पर व्यायाम कर रहे होते हैं तो निम्नलिखित में से किस प्रकार का मांसपेशीय संकुचन होता है? तो मल्टी जिम पर आप व्यायाम कर रहे हैं, सोच सकते हैं कौन सा ये आपका व्यायाम है, तो ये आइसोटोनिक व्यायाम है, क्योंकि ये मांसपेशियां लंबी और छोटी दोनों होती है, कंसेंट्रिक एक्सेंट्रिक दो प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, थकावट का प्रतिरोध करने की योग्यता को क्या कहा जाता है? जहां पे थकावट फटिक को ओवरकम करने की बात होगी तो वहां पे सहनशीलता होगी, क्या होगी, सहनशीलता होगी, यानी इंड्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वीडिश भाषा में कौन सी प्रशिक्षण विधि का अर्थ गतिज खेल है, स्पीड प्ले है? तो वो है आपका फाटलेक प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 16 है, कम से कम समय में दी गई दूरी को पार कर लेना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है गति, यानी स्पीड। क्वेश्चन नंबर 17 है, थकावट का प्रतिरोध वाली कौन सी योग्यता यानी क्षमता होती है? तो थकावट का प्रतिरोध कर रही है, फटीग का प्रतिरोध कर रही है, तो वो हमेशा होगा क्या, सहन क्षमता। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 18 है, गति में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? तो दोस्तों मांसपेशी रेशों के प्रकार, क्या होता है सबसे महत्वपूर्ण कारक गति में, मांसपेशी रेशों के प्रकार, इसमें फास्ट ट्विस्ट फाइबर ज्यादा काम करता है गति में। क्वेश्चन नंबर 19 है, त्वरण दौड़ों का प्रयोग किसको बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों गति को बढ़ाने के लिए पेस रेस और त्वरण दौड़, ये दोनों गति को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, का सामना करने की मांसपेशियों की योग्यता को शक्ति कहते हैं, किसका, प्रतिरोध का, किसका दोस्तों, प्रतिरोध का सामना करने के लिए जो मांसपेशियों की योग्यता होती है उसको हम कहते हैं शक्ति, यानी स्ट्रेंथ। और थकावट का सामना करने की बात होगा तो सहनशीलता, प्रतिरोध का सामना करने की बात होगा तो शक्ति, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, गति को विकसित करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो त्वरण दौड़ और पेस रेस, यानी ख और ग दोनों राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, अंतराल प्रशिक्षण विधि किसने विकसित किया था? तो इसको विकसित किया था एबेबे बिकिला ने, ग्रस्य बिकिला ने 1920 में। क्वेश्चन नंबर 23 है, बैलिस्टिक विधि क्या पढ़ाने में प्रयोग किया जाता है? तो बैलिस्टिक स्टैटिक डायनेमिक अपीयरेंस मेथड, ये आपको लचक यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, फाटलेक प्रशिक्षण विधि का विकास किसने किया था? तो यह स्वीडन में हुआ था,
गुस्ताव होमलर ने 1937 में किया था। स्वीडिश भाषा में इसका अर्थ होता है स्पीड प्ले। क्वेश्चन नंबर 25 है, यह मांसपेशी अनुबंध तथा शक्ति उत्पन्न करने के लिए अपनी लंबाई बदलती है तो संकुचन का कारण क्या है? तो लंबाई बदल रहा है तो आप समझ सकते हैं क्या होगा, तो आइसोटोनिक होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, अंतराल प्रशिक्षण प्रयोग किसको विकसित करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों यह गति सहनशीलता को विकसित करता है। किसको करता है? गति सहनशीलता को। तो यहाँ पे गति सहनशीलता दिया ही नहीं है, केवल सहनशीलता दिया है। तो यहाँ पे इस बुक में माना है गति हो, बट यहाँ पे सहनशीलता होगा, लेकिन आप मान लीजिए जो आयोग मानेगा वही सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, थकावट के विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता को क्या कहते हैं? जहाँ फटिक के विरुद्ध थकावट के विरुद्ध बात आए वहाँ सहनशीलता, जहाँ प्रतिरोध के विरुद्ध बात आए वहाँ शक्ति, यहाँ पे सहनशीलता राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, स्थिर अवस्था से अधिकतम गति प्राप्त करने की योग्यता को क्या कहते हैं? तो स्थिर अवस्था से अधिकतम गति प्राप्त करने की योग्यता को कहा जाता है त्वरण योग्यता, यानी कि एक्सीलरेशन एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सी प्रशिक्षण विधि सहनशीलता को विकसित नहीं करती है? तो दोस्तों कंटीन्यूअस मेथड या निरंतर प्रशिक्षण सहनशीलता डेवलप करती है, फाटलेक विधि भी करती है, अंतराल विधि भी करती है, भार प्रशिक्षण नहीं करती है, या आपको स्ट्रेंथ को डेवलप करती है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि खेल गतियों को पूर्तियाँ ठीक करने के लिए शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों की गतियों को जोड़ने की योग्यता को क्या कहते हैं? तो विभिन्न अंगों को एक साथ जोड़ रहा है, जैसे आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो आपके आँख, आपके पैर, आपके हाथ एक साथ संयोजन हो रहे हैं, तो इसे हम संयोजन योग्यता यानी कि युग्मन योग्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मन योग्यता, क्यूपलिंग एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 31 है, अभिकथन से रिलेटेड, है अंतराल प्रशिक्षण विधि कम अवधि में की जा सकती है, तो सही है आपका, वह अंतराल प्रशिक्षण विधि व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार निर्मित की जा सकती है, ये वह गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा, सही है लेकिन वह गलत है। क्वेश्चन नंबर 32 है, यहाँ पे आपको मिलान करना है, तो यहाँ पे घ आपका राइट होगा, यानी कि लचक जो है बढ़ाने की विधि कौन है? तो बैलिस्टिक विधि, ठीक है, अ का 3 हो जाएगा। आइसोकाइनेटिक व्यायाम क्या होता है दोस्तों? तो ब का 4 हो जाएगा, जेम्स पेरिन ने इसको खोजा था 1968 में। एंड फाटलेक प्रशिक्षण विधि को हम क्या कहते हैं? इसको गुस्ताव होमलर ने खोजा था, ठीक है। एंड मांसपेशी की छोटी नहीं होती लेकिन तनाव बढ़ा रहता है, तो आइसोमेट्रिक होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर घ यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, 400 मीटर स्प्रिंट इवेंट किसके अंतर्गत आते हैं? तो 400 मीटर स्प्रिंट इवेंट जो होती है वो किसके अंतर्गत आती है दोस्तों? गति सहन क्षमता में, जबकि 100 मीटर और 50 मीटर और 200 मीटर एक गति में आएगा, जबकि 400 मीटर किस में आएगा? गति सहनशीलता में, स्पीड एंड्योरेंस में। क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सी प्रशिक्षण विधि में गतिविधि क्रिया के दौरान पेस में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो वो आपका कौन सा होगा? तो वहाँ पे निरंतर प्रशिक्षण विधि में पेस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, एक समान गति से निरंतर किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, लचक का कौन सा प्रकार नहीं है? तो लचक सक्रिय, असक्रिय, स्थिर होता है, जबकि बैलिस्टिक जो है लचक को विकसित करने का प्रक्रिया है, प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 है, बैलिस्टिक विधि को क्या बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो बैलिस्टिक स्टैटिक डायनेमिक पीएनएफ मेथड, यह आपको लचक यानी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, सहन क्षमता में सुधार के लिए सबसे अच्छी प्रशिक्षण विधि कौन सी है? तो सहन क्षमता को सुधार के लिए सबसे अच्छी प्रशिक्षण विधि है निरंतर प्रशिक्षण यानी कि कंटीन्यूअस मेथड। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित प्रशिक्षण चक्रों में कौन सा सबसे छोटा चक्र है? तो 3 चक्र होते हैं, माइक्रोसाइकल, मेजोसाइकल एंड माइक्रोसाइकल। माइक्रोसाइकल जिसे वार्षिक योजना भी कहते हैं, जो 3 से 12 माह का होता है। मेजोसाइकल 3 से 6 सप्ताह का होता है। माइक्रोसाइकल 3 से 10 दिन यानी 1 सप्ताह का होता है। तो सबसे छोटा चक्र कौन सा होता है? तो माइक्रो चक्र होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न चक्रों में से प्रायः कौन से चक्र की अवधि 2 से 6 सप्ताह की होती है? तो ये आपका होता है मेजो चक्र। क्वेश्चन नंबर 40 है, कौन सा प्रतिभा पहचान प्रक्रिया की अवस्थाओं के अंदर शामिल किया जाता है?
तो दोस्तों प्रतिभा का पता लगाना, प्रतिभा का विकास करना, प्रतिभा का चयन करना, ये सभी चीज़ें एक व्यक्ति की प्रतिभा का पहचान करने के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित दो कथनों पर दीर्घ कथन या अभिकथन दिया गया है, तो अभिकथन से रिलेटेड है। अ है निरंतर प्रशिक्षण विधि बिना किसी विराम के लंबी अवधि तक की जा सकती है, बात सही है, निरंतर मतलब बिना किसी विराम के करना लगातार। ब है इस विधि में हृदय की धड़कने की दर जो है 140 से 160 धड़कनों के बीच आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा क, अ और ब दोनों सही है, ठीक है, तथा अ ब अ की सही व्याख्या भी है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि ये भी अभिकथन से रिलेटेड है कि अ है कि गतिशील शक्ति को आइसोटोनिक शक्ति भी कहा जाता है, राइट है। ब है स्थिर शक्ति को आइसोटोनिक शक्ति भी कहा जाता है, ये गलत है आपका। तो 42 का क्या अ सही है लेकिन ब गलत है, ग राइट होगा, अ सही है लेकिन ब गलत है, स्थिर शक्ति को आइसोमेट्रिक कहा जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 43 है, अभिकथन से ही रिलेटेड है, अभिकथन अ है कि मूल सहन क्षमता को एनारोबिक सहन क्षमता कहा जाता है, नहीं दोस्तों मूल सहन क्षमता जो होती है वो एरोबिक होती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, और गलत हो जाएगा। ब क्या है, किसी गतिविधि या क्रियाकलाप को लंबी अवधि तक जारी रख पाने की योग्यता को सहन क्षमता कहा जाता है, तो ब सही है, तो ए गलत है और ब सही है, अ गलत है और ब सही है, तो यहाँ पे घ राइट हो जाएगा, अ गलत है ब सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, एक ही स्थान पर जंप करना किसका उदाहरण है, तो जंप कर रहे हैं तो मांसपेशी की जो आकार है कभी छोटी हो रही है तो कभी बड़ी हो रही है, तो यहाँ पे आइसोटोनिक एक्सरसाइज हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 45 है, लंबी कूद में टेक ऑफ लेना शक्ति का उदाहरण है, तो यानी पूरी शक्ति आप एक बार में लगा रहे हैं, तो ये आपका अधिकतम शक्ति का उदाहरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अधिकतम शक्ति का। इस प्रकार क्लास 12th सरस्वती प्रकाशन आपका CBSE पैटर्न पर आधारित 10वां चैप्टर आपका पूरा हो गया, यहाँ पे आपका उत्तर कुंजी दिया हुआ है। तो दोस्तों आई होप कि आप पूरे शिद्दत के साथ ये वीडियो देखे होंगे और आपको बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प हुआ होगा। तो दोस्तों क्लास 11th का भी पूरा देख लीजिएगा, क्लास 12th का भी पूरा देख लीजिएगा, और अपना जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं कोई भी बुक से, चाहे श्याम नारायण की बुक से कर रहे हो, घटना चक्र से, यूथ कंपटीशन से, चाहे मेरे सभी वीडियो जो है प्रैक्टिस कराए गए हैं, इतने सारे वीडियो यूथ कंपटीशन से भी, घटना चक्र से भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आपकी BPSC और EMRS सभी चीज़ों के लिए बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा MCQ आपको प्रैक्टिस कराया गया है, थ्योरी सेशन भी सारे बताए गए हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ हुआ होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।